एंड टीम बिल्डिंग, जिसमें यस माउंटेनियरिंग वाली एक्टिविटी करी थी। सर। तो पहला सेशन हमारा वो था, लीडरशिप एंड टीम बिल्डिंग। मानसी कह रही है आज बस मैं जल्दी उठी बिकॉज बारिश मिस नहीं करना था मुझे। मानसी को पहले से पता था आज बारिश हो रही है। ओके, सेकेंड सेशन कौन सा था हमारा? अच्छा, कितने लोगों ने सारे सेशन ज्वाइन किए? रेज योर हैंड्स। कितने रेज हैंड्स हुए, या यस लिख दो चैट पे, वो भी चलेगा। कितने तीन लोगों ने रेजर सारे सेशन ज्वाइन किए अब तक, ऑल फोर प्रीवियस सेशंस? शिवानी सेज उसने एक मिस किया। चार। ओके, तो शिवानी आपको सेशन का वीडियो जरूर देखना चाहिए, यू विल रिकवर क्वाइट अलॉट फ्रॉम देयर। और अगर कुछ समझ में नहीं आए तो यू कैन कॉल अस। मानसी ने वीडियो किया था और वीडियो भी देख लिया। बहुत बढ़िया मानसी। अरे बहुत बढ़िया, देन यू हैवंट मिस्ड एनीथिंग। सिर्फ पार्टिसिपेशन मिस किया, बट वी कैन डू दैट पार्टिसिपेशन इन सम अदर सेशन। अवनी सेज सेकेंड सेशन इज ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग। ओ बढ़िया अंजलि, वेरी गुड दैट यू वॉच द वीडियो। अगर आपको कोई कंफ्यूजन, क्लैरिटी या कोई क्वेश्चंस हो तो डू नॉट हेजिटेट टू गेट इन टच विद अस। जिया ने सबसे बढ़िया सेशन मिस कर दिया। हेलो सेशन, ओ माय गॉड। तो जिया आपको वो वीडियो देखना चाहिए और उसके बाद सौम्या मैम को कॉल करना चाहिए ताकि वो आपको हेलो सेशन का 5 मिनट्स का इनपुट दे दे। हाँ खुशी राइट, सेकेंड सेशन वॉज ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग। Sir, we'll wait for another 5 minutes and start. Yes, we are exactly 12. Let's start by 12:05. So how मुझे many students are there right now? कि बच्चे लोग टाइम पे आए हैं। Yes, आज सबके फेवरेट डे संडे है और सबने मेजोरिटी से हमें बोला संडे ही करना है, तो हमें संडे जल्दी उठना पड़ा इस सेशन के लिए। अब नहीं, आज संडे को थोड़ा फंडे भी बनाते हैं आज। आज बहुत मजा आने वाला है बच्चों को भी और हमें भी, क्योंकि इस एक्टिविटी में ये हमें सिखाएंगे। एक्चुअली यही, हाँ ये एक्चुअली होना यही है। मैं भी यही बोलने वाला था कि इस बार इस सेशन में हम कम बोलेंगे और आप लोग ज़्यादा बोलेंगे। आपको हमें सिखाना है, क्योंकि जो चीज़ें हम बात करने वाले हैं ना, वो बहुत बेसिक चीज़ें जो आप रोज़ देखते हैं, टीवी पे देखते और रोज हैं। करते भी हैं शायद। अभी किसी ने बोला था ना कि हमें पता चला कि साइंटिफिकली कैसे होता है, प्रोसेस कैसे होता है, तो आज हम यही सीखेंगे कि जो हम रोज करते हैं उसके पीछे का प्रोसेस क्या है। अब भूषण बड़ा कंफ्यूज लग रहा है मुझे। भूषण कंफ्यूज सर हो? एक्चुअली सर मैंने अभी लास्ट 2 सेशंस मिस कर दिए थे, क्योंकि सर मेरा 1 मंथ से नेट थोड़ा कम चल रहा था। अच्छा, बट कोई बात नहीं, उसका वीडियोस हमने पोस्ट किए हुए हैं, आप वीडियो देखो, उसको लाइक करो तो आपके फेवरेट्स में भी रहेगा और आप कभी भी देख सकते हैं, है ना? यू कैन पिक अप फ्रॉम द सेशन। यस सर, तभी कार्य डलवाया नया नेट पैक। बट आई एम हैप्पी दैट भूषण ने आज अपना कैमरा ऑन करके रखा हुआ है एंड वी कैन सी भूषण, दैट्स अ गुड थिंग। क्योंकि जब हम एक दूसरे का फेस भी देखते हैं तो हमें एक्सप्रेशंस के बहुत सारे डिफरेंट एस्पेक्ट्स पता चलते हैं। शिवानी सेज उसने वीडियो देखा था। सर जितनी मीटिंग में करता हूँ उसमें सब सब में कैमरा ऑन रहता है मेरा। यस, आई हैव सीन दैट। तो बाकी लोगों भी जो भी हेजिटेट कर रहे हैं, दे कैन ब्रिंग आउट ओपनली, अपना फेस दिखा सकते हैं ताकि हम एक दूसरे को देख के हंसे भी, उनके फेस एक्सप्रेशन देख के समझ में भी आए कि उनको समझ में आ रहा है, वो मस्ती कर रहे हैं। सो जो लास्ट सेशन था, अगर आप लोगों को याद होगा, कम्युनिकेशन पे एक्सप्रेशंस आर वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कम्युनिकेशन चैनल, राइट? जब जब हम बात भी नहीं करते, याद है वो जब कुछ गलत कर रहे होते हैं और मम्मी घूर के ऐसे देख लेती है, राइट? बोलने की जरूरत ही नहीं है, तुम्हें पता है कि तुमने गलती कर दी है और तुम और कुछ नहीं कर सकते सॉरी बोलने के अलावा, राइट? या गलती पकड़ी जाएगी तो तुम्हारा कैसा चेहरा बनता, अगर वो कभी खुद तो नहीं देखा होगा लेकिन बाकियों से पूछना, वो चेहरा ऐसे बन जाएगा कि आप पकड़े गए हैं, आप तो डांट पड़ेगी, मार पड़ेगी, मार तो नहीं पड़ेगी लेकिन हाँ डांट तो जरूर पक्का पड़ेगी। सो एक्सप्रेशन जरूरी है, इसलिए एक दूसरे को देखना भी जरूरी है। अभी ये पैंडेमिक के चक्कर में मिल नहीं पा रहे, राइट? अभी मानसी बता रही थी कि वो रसगुल्ले बना रही है, तो अभी सुबह से मैंने नाश्ता नहीं किया है
मानसी ने रसगुल्ले बोल के थोड़ा सा मन ललचा दिया मेरा। और ये देखो ये क्या हुआ, सिर्फ सिर्फ मैंने सिर्फ मानसी ने एक बात बोली राइट, और मैंने उसको विजुलाइज कर लिया, अब मेरे लिए वो इम्पोर्टेंट हो गई ये चीज, अब मैं शायद रसगुल्ले मंगाऊंगा शाम को राइट। तो हुआ ये कुछ नहीं, मानसी ने अपनी शक्ल नहीं दिखाई, मानसी ने अभी तक रसगुल्ले नहीं दिखाए मुझे राइट। इट वॉज जस्ट शी एक्चुअली यू नो इनिशिएटेड अ रिमाइंडर और अ मेमोरी इन माई हेड, एंड दैट्स वॉट स्टोरी डज फॉर यू राइट। हम आज आज इन स्टोरीज के बारे में बात करेंगे। तो कुछ भी नहीं किया उसने, सिर्फ ये बोला कि मैं ये रसगुल्ले आज बनाने वाली हूँ, और मेरे लिए वो सारे जो पुराने मेमोरीज थे ना रसगुल्ले खा के जो खुशी मिलती है राइट, वो एक्टिवेट हो गई राइट। सो दीज आर दी, सो व्हेन वी लुक एट स्टोरी, व्हेन वी लुक एट कम्युनिकेशन, सो देर आर डिफरेंट वे ऑफ कम्युनिकेटिंग, एंड व्हाट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इज हाउ डू वी कनेक्ट विद पीपल व्हेन वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट दैट। और मजा इसलिए आने वाला है क्योंकि कुछ कुछ चीजें आप लोग सब रिलेट करोगे राइट। इसमें इसमें कहानियां है राइट, क्योंकि पिक्चर्स की बात हो रही तो सिर्फ कहानियां है, हम लोग सिर्फ कहानियां शेयर करेंगे, कहानियां दिखाएंगे, आपसे कहानियां सुनेंगे, और बस आज संडे हम सिर्फ कहानियों का गेम खेलेंगे राइट आपस में। शिशिर स्टार्ट करते हैं, आप चाहो तो मेरे ख्याल से हम स्टार्ट कर सकते हैं। मानसी हमें घुमा रही है अपने घर में इस वक्त, तो वंस शी शटल्स इन वी विल स्टार्ट। मैंने नोटिस नहीं किया। ओके तो शुरू करें, दो तीन लोग और ज्वाइन कर रहे हैं, आई थिंक दो एक मिनट रह गया, तब तक हम थम्स अप ले लेते हैं। एवरीबॉडी इज रेडी, शुरू करें एक नई जर्नी। ऑसम ऑसम, बढ़िया। सो अमित सर ने कहा एक मिनट रुकते हैं, तो विल वेट फॉर वन मिनट और उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं। एक मिनट में ना मैं आपको जल्दी बताता हूँ, एक एलिवेटर पिच होती है, आप लोगों ने सुना नहीं होगा, शायद सुना होगा। कितने लोगों ने एलिवेटर पिच के बारे में सुना है? There's something called elevator pitch. क्या होती है? You know, you can raise your hand, you can put it out on chat. अगर आपको unmute करके बोलना है। No sir. Okay. Pitch कितने लोगों ने सुना है? Pitch क्या होती है? I don't know exactly what is. Hello. Yes, Kushi. Hello. Am I audible? Yes, Kushi. Yes. This is Jia. Jia, yes, you are audible. I don't know exactly what is elevator pitch, but somehow it is related to that part of your whole pitching session, जिसमें आपका जो भी आप thought अपनी audience को portray करना चाह रहे हो या idealize करवाना चाह रहे हो, उसमें एक ऐसा part जिसमें आप अपनी पूरे आइडिया को एक ऐसे लेवल पे ले जाओ कि सब लोग उसको अच्छे से एक्सेप्ट कर ही ले और यू नो सबको वो समझ आ जाए और उसे एक अच्छा एप्रिशिएशन मिले। परफेक्ट परफेक्ट जी, तो आपने पूरा पूरे आज सेशन का जिस्ट पहले बता दिया। प्राची कह रही, प्राची सेज एलिवेटर पिच इज अ ब्रीफ पर्सुएसिव स्पीच दैट यू यूज टू स्पार्क इंटरेस्ट इन व्हाट योर ऑर्गेनाइजेशन डज। यस दैट्स करेक्ट प्राची। Elevator pitch is a short statement or we can say a description of an idea that explains the concept in which someone, a listener, can understand in a short period of time. Brilliant, brilliant. Right, so elevator pitch, aap sabne exactly. So elevator pitch, ek concept shuru hua tha ki, and this is not about just organization, right? It could be anything, any idea. Aap kuch, aap school mein, school ambassador hai. आप किसी से मिले, आपको आपके प्रिंसिपल से पिच करना था राइट। सो एलिवेटर पिच हैपेंस इन अ वेरी शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम, आपके पास बहुत कम टाइम है। एलिवेटर पिच इसलिए कहली जाती है कि आप, ये यूएस में स्टार्ट हुआ था कि आप एक फ्लोर से यू नो आठवें दसवें फ्लोर तक जा रहे हो, आपके पास वही है एक मिनट डेढ़ मिनट, एंड दैट इज द टाइम वेर यू कैन हैव टू टॉक अबाउट योर आइडिया, योर नीड टू टॉक अबाउट योर सेल्फ, एंड यू नीड टू ऑल्सो इम्प्रेस वाइल यू आर डूइंग दिस राइट। सो दैट इज what is elevator pitch, उसके बारे में बात करेंगे, लेकिन अब शुरू करते हैं। शिशिर, I think everybody okay. is here. Okay, so let's welcome all the people who have joined in, Riya, Zenith, and who else have joined late. Just raise your hands or type in, say you are ready to start. So
So we'll start from there onwards. Yeah, Avni says yes. Okay, I see some thumbs up. Yes, sir. Start the session, please. Okay, but yeah, so I'll just repeat once. We know the mode of communication. मगर अगर आपको लग रहा है कि आपकी बात हम तक नहीं पहुंच रही है तो जस्ट ओपन योर माइक एंड से इट, क्योंकि आज के सेशन में वो परफेक्टली अलाउड होगा. सो सेशन आज का पिच का है हमारा, बट बिफोर वी डू पिच और बिफोर वी गो इनटू पिच, हम देखते हैं कि हम पिच अपनी डेली लाइफ में कैसे किसको करते हैं. तो जब हमें नई चीज कुछ खरीदनी होती है और हम अपने पेरेंट्स के पास जाते हैं कि मम्मा मुझे बैट ले दो आज नया, या मुझे ये नया वीडियो गेम चाहिए, या मुझे ये नए ट्रिप पे जाना है, या स्कूल में ये इवेंट है, तो कितने लोग अपने पेरेंट्स को कन्विंस करने की कोशिश करते हैं इन सब बातों पे? हैव यू व्हेनेवर यू टॉक टू योर पेरेंट्स, आप उनको कन्विंस करते हो कि आज मेरी पॉकेट मनी काफी कम है, इस बार थोड़ा बढ़ा दीजिए? yes, या मुझे sir. दोस्तों के साथ जाना है? yes, sir. हाँ, किस किस चीज के लिए करते हैं आप? लास्ट डिमांड क्या थी आपकी पेरेंट्स के साथ? न्यू ड्रेस. हु एल्स? इट्स मानसी. मानसी को न्यू ड्रेस चाहिए थी. और बाकी शिवानी से किसी चीज के लिए? अमित शर्मा से यस, बट किस चीज के लिए? मानसी को ड्रेस चाहिए थी, उसने अपने पेरेंट्स से रिक्वेस्ट किया. भूषण, तुम्हें गेम्स के लिए कभी रिक्वेस्ट किया पेरेंट्स को? नहीं किया. तो लास्ट रिक्वेस्ट क्या किया था आपने अपने पेरेंट्स को कि पापा मुझे ये लेकर दो या मम्मा मुझे ये लेकर दो? भूषण को याद नहीं आ रहा है. चलो भूषण को याद करने देते हैं जब तक बाकी लोग. पहले वाली बात है. बहुत पहले किया था. हाँ, जब भी की है बताइए आप हमें. फोन बहुत सारे लोगों ने किया था. आई थिंक 4-5 लोग हैं जो फोन, पिकनिक, स्कूल बैग, लेकिन फोन. अमित ने फोन मांगा है लास्ट. हर्षिता ने बोला है कि मुझे बाहर जाना अलाउ करे दोस्तों के साथ. प्राची ने स्कूल बैग के लिए रिक्वेस्ट किया. सो काफी सारा हमारे पास. कशिश को भी फोन चाहिए था. कशिश ने भी फोन के लिए रिक्वेस्ट किया है. सो जब भी हम किसी को अपनी बात मनाने के लिए बोलते हैं तो दैट इन नटशेल इज पिच. उसे पिच कहते हैं. मतलब कि जब हम बोल रहे हैं कि हमें हमारी जरूरत ये है और हमारी जरूरत इसलिए वैलिड जरूरत है कि मैं बोर हो रही हूँ, मुझे बाहर जाना है, या मैं दोस्तों से बात नहीं कर पा रही हूँ लॉकडाउन में, मुझे एक नया फोन चाहिए, मैं वीडियो कॉल नहीं कर पा रही हूँ, व्हाट्सएप नहीं कर पा रही हूँ, तो ये क्या आपने पेरेंट्स को क्या किया? पिच किया. अच्छा, प्राची सेज पापा सब, खुशी सेज पापा सब ला कर देते हैं. प्राची झा सेज कितना भी कन्विंस कर लूं. अच्छा, जब हम किसी को अपने आइडिया के लिए या अपने थॉट के लिए कन्विंस करने की कोशिश करते हैं तो वे पिच. अब जैसे हम आपको समझाने के लिए कोशिश करेंगे तो हम भी एक तरीके से पिच का ही पार्ट कर रहे हैं ताकि आपकी समझ में आ जाए जो हम बोलना चाह रहे हैं. ओके, लेकिन अब इसको थोड़ा बढ़िया तरीके से जाएंगे क्योंकि अब हमें एक आइडिया तो लग गया है. लेकिन हमारी पिचिंग में क्यों कई बार ऐसा भी होता है ना कि हम पेरेंट्स को बोलते हैं कि पापा मम्मा मुझे फोन या नए शूज चाहिए, और पेरेंट्स कहते हैं अभी तो लेकर दिया था तुम्हें 6 महीने पहले नया फोन, अब तुम्हें क्यों चाहिए नया दोबारा? काउंटर क्वेश्चंस होते हैं. किसके साथ हुआ ये एक्सपीरियंस? थम्स अप, चैट, माइक, आप किसी को भी यूज कर सकते हैं. सबकी बातें मान ली गई. कमाल है, दिस इज वेरी. अच्छा, हर्षिता सेज या उसके साथ हुआ है. खुशी भी सेज मेरे साथ हुआ है. तो आप लोगों ने कैसे काउंटर किया उस चीज को? स्वर्ली सेज विद मी टू. ओके, निकिता सेज मेरे साथ भी. Yes, Harshita says, हर बार अलग अलग questions होते हैं. So that is good. Now you see, when you are pitching, you are getting counter questions too. जिसके लिए हमें mentally prepare होना चाहिए. तो कई बार parents ये questions हमें shock में ला देते हैं. अरे, मैंने तो सोचा नहीं कि ये question भी पूछा जाएगा.
तो एक अच्छी पिच के लिए और एक परफेक्ट पिच के लिए हमें तैयार रहना पड़ता है हर टाइप के क्वेश्चंस के लिए। सौम्या के साथ भी हुआ है, वेरी गुड। तो सौम्या ने तो कम्युनिकेशन से हैंडल कर लिया होगा चीजें, आई एम श्योर ऑफ इट। तो आज का हमारा सेशन इस बात पे जाएगा कि हमारे लिए पिच क्यों इम्पोर्टेंट है, लेकिन हम पहले देखते हैं कि हमने अभी तक पहले क्या क्या सीखा। तो लेट्स रिकैप, कितने लोग यहाँ पे हैं जिन्होंने सारे सेशन अटेंड किए, ऑल फोर ऑफ द सेशंस? थम्स अप, रेज हैंड्स, चैट, एवरीथिंग विल वर्क। जिया सेज मेरी पिच ऐसी होती है कि या तो डायरेक्ट यस मिलता है या नो। तो आज जिया को बहुत हेल्प मिलने वाली है पिच कैसे करना है। शिवानी सेज ओनली वन मिस, ओके दैट्स गुड, गुड स्टार्ट्स। इराम सेज यस, ओके प्राची थैंक यू, तुमने सब कुछ कर दिया। अवनी जो अटेंड नहीं किया उसका वीडियो देख लिया, ओके गुड। सो लेट्स रिकैप द टॉपिक्स क्विकली, द टॉपिक विच वी हैव कवर्ड सो फार। We have covered leadership and team building, which was taken by Shikha ma'am. Next session we did was problem solving, which was taken by Swarli ma'am, jo yahan pe hain hamare saath. Third session design thinking ka tha, jo Shuchi ma'am ne aapke saath liya tha. Fourth session aur hello session, dono session Swamya ma'am ne liya, जो भी यहाँ पे हैं हमारे साथ। तो ये चार सेशंस आई होप सबने देख भी लिया है वीडियो, जिन्होंने मिस किया है, और जिनको कोई क्वेश्चंस हैं तो दे कैन ऑलवेज गेट बैक टू अस। और जिया को आई थिंक सौम्या से एक कॉल करनी होगी टू रिकैप ऑन क्विक थिंग, बिकॉज शी मिस्ड वन गुड हेलो सेशन। ओके, तो व्हाई शुड वी पिच, इसका आंसर हमने अभी दिया, हम सबने अभी दिया। Let's recap. Why should we pitch? To represent our idea. Yes. To request for something. Yes. What else? To convince others to accept our opinion. Yes. Shivani says अपनी बात मनाने को, तो I'll request कि कोई private नहीं भेजे, सब open भेजते हैं, क्योंकि ये open sharing है। आप लोग जो बात करेंगे उससे हम सब share करेंगे और सीखेंगे। तो सेंडिंग चैट टू एवरीवन इज ऑलवेज हेल्पफुल, हम सभी एक दूसरे की बातों से सीख के आगे जाएंगे। और आज एज आई सेड हम यहाँ पे सीखने के लिए आए हैं आपसे, तो वी विल नॉट गो इनटू सेशन विद लर्निंग कि हम आपको पढ़ा रहे हैं, मगर हम देखेंगे कि जो हम अब तक बचपन से जब से पैदा हुए हम कुछ ना कुछ चीज के लिए इन सब चीजों को यूज कर रहे हैं, मगर हमें पता नहीं है कि उनके पीछे की साइंस क्या है, उनके पीछे के रीजंस क्या हैं। तो आज हम उन रीजंस को अपने आप ही डिस्कवर करेंगे। ऑलराइट, तो आयुष सेज टू कन्वे समथिंग, यस। शिवानी सेज अपनी बात मनाने के लिए, यस। जिया सेज फिर कोई काउंटर क्वेश्चन का सवाल ही नहीं, अच्छा जो अटेंड नहीं किया उसका वीडियो देखा है। ऑलराइट, सो व्हाई शुड वी पिच, दिस इज एन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। और इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए हम सीधे एक्टिविटी में जाते हैं। और देखेंगे उस एक्टिविटी के थ्रू कि जो चीजें हम यहाँ पे आज आपको बताएंगे, आप ऑलरेडी उन चीजों को अपने लाइफ में, अपने पार्टिसिपेशन में इन्वॉल्व करते हो, मगर उसको ऑप्टिमली यूज नहीं कर पाते, क्योंकि हम उसके बारे में कॉन्शियसली यूज नहीं करते। यू नो, हमें पता है कि हम इसको यूज करने से एडवांटेज होगा, बट हम कॉन्शियस नहीं है उस चीज के लिए। तो आज हम सिर्फ उस कॉन्शियसनेस को रेज अप करेंगे, ताकि आपको उस एक्टिविटी के बारे में और उसके पीछे की साइंस के बारे में पता चले। तो व्हाई शुड वी पिच, इस क्वेश्चन पे हम दोबारा से आएंगे। आई होप आपके कुछ आंसर्स चेंज होंगे, मगर तब तक हम एक एक्टिविटी करते हैं, इसके लिए हम ब्रेकआउट रूम भी कन्वेंस करेंगे। ओके, एक्टिविटी क्या है हमारे लिए? चाय तो सबने पी होगी, या कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिन्होंने चाय नहीं पी है? सर दूध पिए। दूध पिया, चलो गुड, दूध इज गुड पार्ट ऑफ चाय। व्हाट एल्स, सबने चाय पी है, किसी ने चाय नहीं पी है? यस सर पी है। नो सर ओनली मिल्क, आई डोंट ड्रिंक टी। पी है चाय। आज सुबह सुबह किसने पी है? आज ओनली मिल्क।
तभी तुम्हारी आवाज आ रही है और बाकी लोगों की आवाज नहीं आ रही है. ग्रीन टी, शिवानी राय सेज ग्रीन टी मैंने पी है. ठीक है, ओके, गुड. तो आज की हमारी एक्टिविटी चाय के अराउंड ही है. ठीक है, आज हमने एक प्लान बनाया है कि एक वर्ल्ड्स बेस्ट चाय हम मार्केट में लेकर आते हैं और लोगों को तरोताजा करते हैं चाय पिलाकर. वी विल हेल्प देम यू नो मेक देयर एवरी मॉर्निंग अ डिलाइट टू वर्क ऑन. तो हमारे पास आज एक एक्टिविटी है. हम सब लोगों को ब्रेकआउट रूम में डिवाइड करेंगे और हम सबको एक चाय का ब्रांड लॉन्च करना है. ठीक है, और उस चाय के ब्रांड के लिए हमें स्लोगन रेडी करना है. तो आज की हमारी एक्टिविटी में खुशी से चाय या गुड सेम ग्रीन टी. तो आज हम या तो ग्रीन टी बनाएंगे या रेगुलर टी बनाएंगे, ये आप लोग डिसाइड करेंगे. मगर आज हम एक चाय का बहुत ही बढ़िया ब्रांड लॉन्च करेंगे और उसके लिए एक हम टैगलाइन डिफाइन. ठीक है, फिर हम उस टैगलाइन पे एक्टिविटी के बाद वापस आएंगे, सबकी टैगलाइन को रिव्यू करेंगे और ये जानना चाहेंगे कि उन्होंने उस टैगलाइन को क्यों चुना, क्योंकि उनकी बातों में हमारा आंसर होगा व्हाई शुड वी पिच और हाउ शुड वी पिच. ऑलराइट, सो एवरीबॉडी इज ओके विद दैट क्वेश्चन? Yes. Thumbs up, raise of hands, chat, all good. Yes, chalega. Sir. Awesome, I can see Bhushan. Okay, Anjali, yes. Mummy, ab ye aankh band kar diya. Kya hua Sabha? I think galti se unmute ho gaya tha. Shivani says yes, sir. Okay. So, hume aaj apne chai ka naam dhuna hai aur chai us नेम के लिए टैगलाइन, जैसे होता है ना वहताज टाटा टी के लिए, ऐसे ही आज हम अपनी चाय लॉन्च करेंगे और उसकी टैगलाइन ढूंढेंगे. तो वी विल स्टार्ट ब्रेकआउट रूम. और आपके पास इस एक्टिविटी के लिए, क्योंकि छोटी सी एक्टिविटी है, इसमें आप सबको पीछे किए हुए लेसन सारे यूज करने हैं, कोलैबोरेशन, कम्युनिकेशन, टीम लीडर और डिजाइन थिंकिंग. और 5 मिनट आपको दिए जाएंगे, 5 मिनट्स टू पुट यू अंडर स्ट्रेस कि जल्दी जल्दी हम एक आंसर पे पहुंचे. सो वी विल स्टार्ट ब्रेकआउट रूम इन नेक्स्ट 1 मिनट. अमित? Yes. Yeah. So let's wait for the breakout room. और तब तक आप लोग सोचना शुरू कर दीजिए कि चाय का नाम और चाय के लिए टैगलाइन. Excuse me, sir. हाँ जी. So breakout room में sir group के साथ sir वो discuss करना है ना कि चाय का नाम क्या होना चाहिए? बिल्कुल, आपको breakout room में group के साथ collaborate करना होगा और आप एक नाम चुनेंगे और एक टैगलाइन चुनेंगे. Okay? तो सबको कॉन्शियसली कंफर्म करना पड़ेगा कि दिस इज द टैगलाइन एंड दिस इज द नेम ऑफ द प्रोडक्ट व्हिच वी आर गोइंग. ठीक है, हम जब ब्रेकआउट रूम के बाद आएंगे तो ये भी डिस्कस करेंगे कि हमने ब्रांड ही क्यों लिया. ओके,
गुड आफ्टरनून अंगद। गुड आफ्टरनून सर। सर लेट आया हूँ मैं, क्या हुआ? नहीं नहीं, वो ब्रेकआउट रूम में चले गए लोग। मैं आपको एक ग्रुप में डाल देता हूँ। अभी क्या है, आपको हेल्प करनी है लोगों की, जो वी आर लुकिंग फॉर अ टी ब्रांड जिसका नाम और टैगलाइन करना है हमें, ठीक है? एक टी ब्रांड का? हाँ। ओके सर, ये आपको मैं एक ग्रुप में डाल देता हूँ। हाँ, ग्रुप में डाल चुके आप, यू नो यू कैन ज्वाइन देयर। ओके सर। हाय आकांक्षा। आकांक्षा, आपको मेरी आवाज आ रही है? चैट में भी लिख सकते हो या अनम्यूट कर सकते हो। आकांक्षा, एक एक्टिविटी अभी हो रही है, वो लोग सब लोग अभी वापस आ जाएंगे। हमने सबको, मैं आपको एक ग्रुप में डाल देता हूँ, लेकिन अभी वो खत्म हो रही है। Can you hear me, Akanksha? Just probably, you know, raise a hand, chat pe dal dijiye.
कैसे सब कुछ? मैम बहुत अच्छा। आप सब लोग खूब मस्ती कर रहे हैं, खूब सारी बातें करी सबने? यस मैम। वेरी गुड। सबके चाय के नाम डिसाइड हो गए? यस मैम। वेरी गुड। अमित सर, काफी इंटरेस्टिंग टास्क दे दिया आपने। मैं खुद चाय नहीं पीता हूँ, लेकिन मैंने सोचा कि थोड़ा आपके टास्क की वजह से मैं दो ग्लास चाय पी गई। अच्छा, हम लोग साबुन लेने वाले थे, पता है पहले? क्या? पहले साबुन सोच रहे थे आइडिया। साबुन? अच्छा ओके। नहीं मैं नहाने तो नहीं जाने वाली थी दोबारा। मैम टू ग्लासेस ऑफ टी आर नॉट हेल्दी। आई नो, मैं तो बहुत बड़ा चाय एडिक्ट हूँ, मुझे चाय बहुत पसंद है, इसलिए आप सबके नाम सबसे ज्यादा तो बैठ के मैं जज कर रही हूँ। आप चाय मैं पीना चाहूंगी, लेट अस सी कौन कन्विंस कर पाता है। ठीक है, तो बिफोर शिशिर सर स्टार्ट्स, मैं क्योंकि सारे ग्रुप्स में था तो मैं थोड़ा सा फीडबैक सबके लिए दूंगा। आई एम सुपर इम्प्रेस्ड बाय एवरीवन, राइट? जो लोग मतलब मैंने ज्वाइन किया ग्रुप्स को और वो लोग पहले तैयार थे, मतलब 3-4 मिनट में तैयार हो गए थे। एक ग्रुप ने कुछ इंटरेस्टिंग नाम निकल गया, आई थिंक भूषण आपका ग्रुप है ना, वो सारे नाम बताना जो आपने फाइनल किए थे। अरेबिक नाम निकला, राइट? एक इन्होंने बेलारूस से रेफरेंस लिया। हाँ, सो भाई मैं तो इम्प्रेस हूँ, राइट? तो एक काम करना, जो भी आप में से आइडिया करेगा, आपको बच्चे हम सबकी नौकरियां इन्हीं के पास जाने वाली है, मैं बता रही हूँ। तो बस जितना कमाना है 10 साल में कमा लो। अच्छा ठीक है। एक्सक्यूज मी सर। हाँ हाँ भूषण सर, सारे नाम बताने जो भी सोचे थे। आप आपके ग्रुप में अच्छे नाम थे तो मैं वो सुनना, मतलब सब सुनना चाहेंगे। तो अभी क्या करना है, आपके हर ग्रुप में से एक बंदा, एक लड़का या लड़की अपने आप को अनम्यूट करके नाम बताएंगे और ये बताएंगे आपने वो नाम क्यों चूज, नाम और टैगलाइन, और फिर वो नाम क्यों चूज किया, और वो नाम आपने चूज किया था या किसी और ने चूज किया था। मुझे ये जानना है कि कन्विंस कैसे किया था, जो शिशिर से समझा रहे थे ना, या तो लड़ लिए या बोले नहीं यही होना चाहिए, क्या किया, राइट? या आपने बोला नहीं ठीक है चलता है कोई बात नहीं, सामने वाले को हैप्पी कर देते। सो जल्दी से अपने आप को अनम्यूट कीजिए, अपने अपनी टीम का जो चाय का नाम है वो बताइए और स्लोगन बताइए जल्दी से। सर हमारी टीम का नाम था, टी का नाम था हर्बल डिलाइट। ओके, और इसकी टैगलाइन कुमकुम बोलेंगी। Yeah, so the tagline for our tea brand is mind-opening tea, not today, every day. Wow. Okay. And the logic behind this tagline and the brand will tell Angad. Good afternoon, sir. Sir, logic ये है कि herbal delight tea जैसे नाम कहता है कि आपको एक special type की delight देता है, feeling देता है. And तो हमारे पूरे Indian literature में, history में जितने भी poet, poetess हैं, उन सब ने अपने लिटरेचर में यही लिखा है कि जैसे वो नेचर में जाते हैं उनको एक उनका माइंड एक अलग विंडो में ओपन करता है, एक अलग वर्ल्ड में अलग से सोचता है। तो ये वही है, उसी जैसे टी भी हमारी हर्बल है तो पी के आपका दिमाग भी में फ्रेश हो जाएगा, एक अलग डायमेंशन में सोचेगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट टीम, जल्दी से जल्दी जल्दी जल्दी। हाय एवरीवन, दिस इज जिया, and our team decided the name for our chai brand is Cha. It is derived from the traditional pronunciation that is used among our country. In our modern times we have changed it to chai or tea and all, but traditionally it is used as Cha. And usi se related humne tagline bhi socha hai jo aapko Kashish batayenge. Over to you, Kashish. Okay. Hello, everyone. So, tagline of our cha is "Har dil ki cha," because everybody, when wakes up, they all yearn for a cup of tea, and so our tea will complete their dil ki cha by our tea. So, वो लोग बड़े खुश होंगे जब हमारी चाय पिएंगे सुबह सुबह. So, yeah, that's why cha and the tagline "Har dil ki cha." बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। We have decided the logo as well.
and logo will be presented by Khushi and Niharika. Okay. So, Shishir, can you share the screen which you Shishir, आप screen share हटा दो ताकि वो लोग share कर पाए. हाँ, मैं हटा दूँ. आप लोगों के वो मेरी स्माइल दिख रही होगी, जितना आप बोल रहे हो ना, मेरा चेहरा इतना सही है, मैं क्या कर सकता हूँ, मेरी स्माइल इतनी होती जा रही है, आई एम सुपर इंप्रेस्ड. पर अभी इस एक्टिविटी के बाद ना, हम दो लोगों को न्यूट्रल फीडबैक देने के लिए भी बोलेंगे, जिसमें से एक सौम्या मैडम होंगी और एक होपफुली अंकिता मैम भी होंगी, जो बताएंगे कि इतने सारे टीम्स में जो इन्होंने आइडियाज रखे हैं उसमें से कौन सा आइडिया. वैसे तो मुझे सारे आइडियाज और थॉट प्रोसेस पीछे के बढ़िया लग रहे हैं, लेकिन कोई पर्टिकुलर आइडिया आपको बहुत क्लोजली हिट किया होगा, हाँ यार ये तो बहुत ही सही चीज, तो वी वांट टू गेट टू दैट आइडिया, और क्यों विल डिफाइन द साइंस बिहाइंड इट. ठीक है, सो ये लोगो एक्सप्लेन कौन करने वाला है? हेलो एवरीवन, दिस इज आवर लोगो फॉर टीचा. एक्चुअली हम ट्रेडिशनल वे में थोड़ा इसको लेके आए हैं, तो चा का हमने जो कॉफी में डिजाइन होते हैं तो उसी के बेसिस पे हमने भी अपनी टी के लोगो के लिए डिजाइन रखा है. एक हार्ट और एक टी लीफ है जो टी को शो करेगी, और हार्ट उन लोगों के लिए जो सुबह उठ के हमारी चाय पियेंगे, उनका हार्ट खुश हो जाएगा. बहुत बढ़िया खुशी. आई थिंक ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, इट्स सो सिंपल, और आपने 15 मिनट में कर दिखाया. आई थिंक किसी को एड एजेंसी में जाने हैं तो मैं रेफर कर दूंगा, ये बहुत ही बढ़िया. ग्रेट वर्क एवरीवन. नेक्स्ट टीम, भूषण आपकी टीम में से कौन रिप्रेजेंट करेगा इस टीम में? जिया वाली टीम में अभी आई थिंक दो एक्सप्लेनेशन बचे भी हैं. Somebody has to tell the science. कुछ बचा है जिया? जिया म्यूट पे हो आप? म्यूट पे हो आप जिया. Niharika was going to explain, but there are some network issues or background noises. That's why she. So Niharika, if you cannot talk, you can type the thing. By the time हम फिर पढ़ के यहाँ पे सबको समझा पाएंगे. Okay. Awesome. Yeah. Next team, please. Hello, sir. Myself Bhushan. So जो team का name, मतलब जो टी का name हमने choose किया है वो था ताजीज हरबादू. ताजीज हरबादू. Okay. ताकि सब लोग समझ पाए. Yes sir. Please wait for a minute. अच्छा वो फोटो दिखा रहा है, ठीक है हम ही लोग पढ़ ले. आप ये फोटो को बाद में क्लिक करके हमें व्हाट्सएप ग्रुप पे भी शेयर कीजिएगा. ताजीज हरबातू, ठीक है. ताजीज का मतलब ओके. रीजन बिहाइंड दिस नेम एंड साइंस बिहाइंड दिस. हां स्पेल कर दो प्लीज. मिल गया. ठीक है, ताजीज हरबातू. और टैगलाइन क्या है भूषण? सर ताजीज के साथ ताजा ताजा हो जाए. इसके साथ ताजा ताजा हो जाए. बढ़िया. ताजीज एक अरेबिक वर्ड है, मतलब जिसका मीन्स है फ्रेश, तो उसी से फ्रेश टी, ताजा हो जाए. ज्यादातर सब सुबह सुबह पीते हैं, तो सुबह सुबह अगर ताजगी आएगी, ताजा हो जाएंगे, तो काफी अच्छा रहता है दिन. एंड हरबातु इज अ बेलारूसियन वर्ड फॉर टी. बहुत सही, बहुत खूब. थॉट प्रोसेस कहाँ कहाँ जा रहा है हमें एक चीज पाने के लिए, और इन सब चीजों से हमें अभी आंसर मिलने वाला है कि हमारे पिच में क्या इंग्रेडिएंट्स होने चाहिए. ओके, सो नेक्स्ट टीम हो गई, मतलब चार टीम थी, चारों ने पिच कर दिया. आप सौम्या मैम और यू नो सौम्या मैम, शर्ली मैम और अंकिता जी, आप तीनों आईडीज पे. हां विधि सर, हमारी टीम का रह गया है. हाँ एक रह गया टीम, विधि का रह गया क्या? सॉरी विधि, बोलिए आप प्लीज. ओके सो हमारी चाय का नाम है टी वंडर. टी वंडर वंडर. ओके सब उत्सव इसके बारे में बताएंगे, लॉजिक एंड टैगलाइन. सर वी चूज टी वंडर एज अ नेम फॉर आवर ब्रांड बिकॉज़ एक तो ये नेम कैची है, काफी जल्दी मतलब आपकी जुबान पे आ जाएगा. टी वंडर मतलब कोई कॉम्प्लिकेटेड नेम नहीं रखा है हमने, कि मतलब तो इससे लोगों को बोलने में आसानी होगी पहली बात तो, और दूसरी बात है वी चूज टी वंडर एज आवर नेम बिकॉज आप
हम लोगों के मन में जो है या फिर उनके माइंड में एक जो हम थॉट डालना चाहते हैं कि दिस टी विल मेक यू वंडर बिकॉज इसका मे बी टेस्ट अच्छा हो या फिर हाईएस्ट क्वालिटी टी हो, तो इसलिए हमने इसे चूज किया एज अ टी वंडर. और फिर वी चूज हमने इससे मिलता जुलता एक स्लोगन भी चूज किया है. हम फाइनलाइज नहीं कर पाए अच्छे से, तो मतलब काफी अच्छे आइडियाज थे हमारे पास बट हम फाइनलाइज नहीं कर पाए, तो मैं उन्हीं में से एक जो मेरे को मतलब वोटिंग एक ही ने वोट किया, तो मैं वही मतलब आपके सामने रख रहा हूँ कि टी वंडर आपके लिए एक सरप्राइज है. वाह वाह क्या चाय है, बिकॉज थैंक यू सर. एनीबॉडी एल्स आपकी टीम में से किसी और को भी कुछ बोलना है? सर एस टी सर वी चूज टी वंडर बिकॉज सर जब सब लोग सुबह उठते हैं तो मेन क्या होता है कि अब हर कोई चाहता है कि उनका दिन अच्छा जाए, तो अपने वंडरफुल डे के लिए वंडर टी को यूज करने के लिए हमने वंडर टी उसका नाम दिया. बढ़िया, बहुत कूल. कोई और? ओके, सो सारी टीम ने कवर अप कर लिया अब हमने. ठीक है, तो एक जल्दी से फीडबैक ले लेते हैं. फीडबैक लेते हैं. फीडबैक लेने के लिए हम उनको 2 मिनट देते हैं. इन 2 मिनट में तब तक मैं ये पार्ट कवर करता हूँ कि हमने ये एडवर्टाइजमेंट कोई क्यों लिया, क्योंकि वो जरूरी है. हम पिच को एज अ सॉल्यूशन करते हैं कि जब भी हमें अपने आप को एक्सप्रेस करना है हम किसी न किसी को पिच कर रहे होते हैं. तो जब तक आई थिंक अंकिता मैम और सौम्या मैम हमें फीडबैक देते हैं कि इनमें से क्या चीज़ उनको बेटर हिट करी इन चार टीम से. एडवर्टाइजमेंट हमने टी एक एड को क्यों लिया, क्योंकि एड्स हमारी जिंदगी में आज की डेट में हम हर जगह एडवर्टाइजमेंट किसी न किसी तरीके से देखते हैं. एड क्या है? बेसिकली दे आर ट्राइंग टू पिच देयर प्रोडक्ट और सर्विसेज या जो भी उनके आइडियाज हैं वो हमें इम्प्रेस करने के लिए हमें पिच कर रहे हैं. इट्स वन ऑफ द वेरी क्लोज थिंग्स कि जिसमें आप हर रोज अपनी डेली लाइफ में इन आइडियाज को देखते हो, उनकी पिचिंग को देखते हो और उन पर रिएक्ट भी करते हो. आपके बहुत सारे रिएक्शन आते हैं, कुछ इमोशनल रिएक्शन आते हैं, जैसे जाकिर हुसैन को तबला बजाते हुए वह ताज देखने में लोगों को बहुत मजा आता था, तो एक अलग से इमोशनल रिएक्शन था. जिनका इमोशनल रिएक्शन पॉजिटिव आता है वो आपकी पिच से इम्प्रेस्ड है इसका, लेकिन जिनका इमोशनल रिएक्शन कुछ ऐड देख के गंदा भी आता है, यार ये क्या बकवास ऐड है, इट इज लाइक इट इज गिविंग नथिंग, तो वो नेगेटिव इमोशनल रिएक्शन है. इसका मतलब है आपकी पिच वहां पे सही जगह नहीं जा रही है. दैट मीन्स पीपल आर नॉट एक्सेप्टिंग योर पिच एंड दे आर गिविंग नेगेटिव रिस्पॉन्स टू यू. तो हमारी पिच को एक पॉजिटिव रिस्पांस अप्रिशिएट करती है, ताकि पॉजिटिव रिस्पांस का मतलब है हमारी पिच से अग्रीमेंट होगा सामने वाले का, और उसका मतलब है जो हम बोल रहे हैं हमें मिलेगा, चाहे वो फोन में हो, चाहे हमारी पॉकेट मनी हो, चाहे न्यू शोज हो या कोई बिजनेस आइडिया हो जो आप फ्यूचर में लेकर आएंगे. इन सब के पीछे साइंस इन्हीं चीजों से डिराइव्ड है. इमोशनल रिस्पॉन्स हम क्या निकालते हैं, फिर हमारी इंटेलिजेंस है जो हमने इतने बढ़िया बढ़िया आइडिया दिए हैं. ताजीज हर बातू, दिस इज लाइक समबडी विल बी बाउंड टू थिंक ये है क्या नाम, चाय का नाम है क्या नाम है, तो वो ढूंढेगा उसको. तो उसने इंटेलिजेंस पे कनेक्ट किया लोगों को. इस तरह आपकी पिच ने अलग अलग एस्पेक्ट पे कनेक्ट किया. बट लेट्स हैव द फीडबैक फर्स्ट फ्रॉम सौम्या मैम एंड देन फ्रॉम अंकिता मैम टू अंडरस्टैंड कि क्या चीज उनको इनमें से बढ़िया लगी और क्यों लगी. सो अंकिता मैम, आर यू गोइंग फर्स्ट? Anyway, I mean, I think you can go first, then I'll go. However. Cool. Shishir sir, Amit sir, you'll have to repeat the names of all the teas one. So there was herbal tea, then there was cha, then there was? Taziz Harbatu. Taziz Harbatu, then? Tea Wonder. Then? Four. So, maybe my bias running, but in terms of... In terms of innovation, yes, Taziz Harbatu is amazing. In terms of innovation, क्योंकि कुछ उल्टा कुछ out of the box सोचा उसको मैं बोलती हूँ उल्टा सोचना. But हमारी हम जब भी communication या taglines या कुछ decide करते हैं तो हम अपनी audience को mind में रख के भी करते हैं, right? So अगर हम एक बिल्कुल exotic brand present कर रहे हैं उसको अपन simplify नहीं करेंगे अपनी audience के लिए तो शायद problem हो. मुझे effective नाम जो सबसे ज़्यादा लगा वो था चा. It was a very effective name for me. I really enjoyed it's just so simple. Aur uska tagline bhi ekdam simple tha. But again, it may be my bias running that in terms of taglining, I found Herbal Delight ka taglining bahut
अमेजिंग एंड ऑल्सो द लॉजिक दैट द किड बिल्ड ऑल्सो. मैं उस ग्रुप में थी तो शायद क्योंकि मैंने उनकी डिस्कशन सुने इससे मैं ऐसा कह रही हूँ. बट या इन टर्म्स ऑफ टैगलाइनिंग आई लाइक हर्बल डिलाइट. इन टर्म्स ऑफ नेम एंड इनोवेशन चा एंड द अरेबिक नेम दैट इज इट फ्रॉम मी. ओके तो मुझे भी बहुत ही सारे नाम बहुत अच्छे लगे. काफी डिफिकल्ट है चूज करना. बट आई अग्री विद सौम्या ऑन द नेम. मुझे भी चा नाम सबसे अच्छा लगा. वैसे बहुत मुश्किल था चूज करना. और मुझे लेकिन टैगलाइन भी चा ब्रांड की ही अच्छी लगी, हर दिल की चा. और मुझे इसीलिए ज्यादा बेटर लगा आई थिंक क्योंकि अगर शायद मैं कल सुबह उठूं तो मुझे ऐसा लगता है कि मुझे यही नाम और टैगलाइन शायद कल याद रहेगा. बिकॉज ये इतना सिंपल और इतना कैची है. जैसे कि वात आज जो हम लोग को याद रहता है क्योंकि वो इतना सिंपल दो शब्द का टैगलाइन है. तो आई थिंक अगर मैं कल उठ के याद करूंगी कि हाँ क्या क्या हमने सोचे थे नाम और टैगलाइंस, तो ये सबसे इजी है मेरे लिए रिकॉल करना. तो और शायद मेरा हाँ अगेन थोड़ा सा बायस हो सकता है क्योंकि मैं इसी ग्रुप में थी भी. बट मैं जस्ट या टू बी क्लियर बट हाँ वेरी गुड एफर्ट फ्रॉम एवरीबडी. मतलब इतने अच्छे अच्छे नाम. वेरी नाइस. रीजन तो हम एक्सप्लेन करने के लिए कि 30 सेकंड में एडवर्टाइजमेंट के दिमाग एडवर्टाइजमेंट जो बनाते हैं उनके दिमाग में क्या क्या आता है और उनको क्या क्या साइंस पे हिट करना होता है टू एंश्योर दैट आप उनका एड पसंद आए और आप अगली बार उनके प्रोडक्ट या उनकी चीजों को खरीदें. यहाँ पे हमारा कॉन्सेप्ट होगा पिचिंग के लिए कि हम कैसे नेक्स्ट टाइम अपने आइडियाज को सामने रखें ताकि सामने वाला उसके साथ अग्री करे और हमें हेल्प करे. सो व्हाट इज इनसाइड अ गुड पिच. तो हिंदी मूवी देखते हैं हम सभी ना, मजेदार मूवीज होती हैं. कुछ मूवीज हमारे दिल में रच बस जाती हैं एंड वी वॉच देम एवरी टाइम अगेन एंड अगेन. क्यों? क्योंकि जब हम मूवी देखते हैं तो शायद हमारे चेहरे पे हंसी आती है, हमें बहुत अच्छा लगता है, हम उस इमोशन से कनेक्ट कर पाते हैं. इज इट नॉट? यस और नो? हिंदी मूवी की तरह हमारी पिच में भी तीन क्रिटिकल इनग्रीडियंट्स होते हैं. अगर ये तीन क्रिटिकल इनग्रीडियंट्स हमारे पिच में बैलेंस हो जाए तो हमारी पिच रेस्ट एश्योर्ड बहुत पॉजिटिवली सामने वाला लेता है और हमारी पिच के सक्सेसफुल होने के चांसेस ज्यादा है. दैट मीन्स वो हमारी बात से अग्री कर जाएगा, इसके चांसेस ज्यादा है. तो वो तीन मसाले कौन से हैं? सबसे पहला मसाला इमोशन. अगर हमारी बात से सामने वाला पॉजिटिव इमोशन लेकर आ पाया, खुशी का इमोशन लेकर आ पाया या किसी भी टाइप का स्ट्रांग इमोशन लेकर आ पाया तो हमारे चांसेस हैं कि हम हमारी पिच वो सुनेगा और उसके साथ कनेक्ट कर पाएंगे. नॉर्मली जैसे हम कहते हैं भीख देना इज नॉट द गुड वे, लेकिन बहुत सारे लोगों को हम जब एल्म्स या कुछ डोनेट कर रहे होते हैं तो भी हमारे पास एक इमोशनल रिस्पांस आता है. वो दया का हो सकता है, वो सामने वाले की शक्ल देख के दयनीयता का हो सकता है, तो हम उनकी हेल्प करते हैं. तो ये कुछ नेगेटिव साइड के पॉजिटिव इमोशंस हैं जो हमें उन चीजों को के थ्रू कनेक्ट करता है जिसके साथ हम इमोशनली बहुत स्ट्रांगली बॉन्ड हो जाते हैं. तो आपने देखा होगा इन पिच में जो अंकिता मैम और सौम्या मैम ने पिच सेलेक्ट करी, दे गॉट वेरी पॉजिटिवली इमोशनली बॉन्डेड टू द वर्ल्ड चाह. क्यों? क्योंकि वो ह्यूमन इमोशन को पुल आउट करता है एस्पायर करने के लिए. फ्रेशनेस वर्ड डिनोट करता है, पॉजिटिव वर्ड डिनोट करता है एंड नॉट टू मिस बड़ा छोटा सा सिंपल सा वर्ड है चाह और कनेक्ट कर रहा है चाय के साथ. तो जो भी पिच एक इमोशनल रिस्पांस लेकर आ पाती है और सामने वाले से इमोशनली कनेक्ट कर पाती है, दैट पिच इज द बेस्ट पिच टू स्टार्ट विद क्योंकि उसको एक्सप्रेस और एक्सप्लेन करने में आपको उतना टाइम नहीं लगा. तो सबसे इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट फॉर अ पिच इज इमोशनल कनेक्ट. क्रिएट एन इमोशनल बॉन्डिंग विद द ऑडियंस. अब जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मैं आप लोगों के साथ एक इमोशनल कनेक्ट एस्टैब्लिश करने की कोशिश कर रहा हूँ, अगर मैंने कनेक्ट नहीं किया होगा तो आप लोग इतना ज्यादा रिस्पॉन्ड बैक नहीं करोगे. यस और नो? यस सर. यस सर.
Yes, sir. Awesome. So I can see a lot of other people as well. And when I say I can see, that means I'm proud of you all that अब हम सबके सामने एक face भी कर रहे हैं कि हम कौन हैं और हमारे चेहरे पे expressions कैसे आ रहे हैं. So I'm very happy to see Mansi's expression. She smiled. And now this is where our emotional connect gets established. जब हम सामने वाले को impress करते हैं emotion के साथ, तो हमने पहला step अपने pitch का ले लिया. So सबसे important connect क्या हुआ हमारे pitch का? Emotional connect. Very good, Kashish. Good to see you. अब कशिश नहीं बोलेगी, बाकी सब में से कोई बोलेगा. सेकेंड चीज जो है सस्पेंस. एक अच्छी मूवी में सस्पेंस होता है. सस्पेंस क्या क्रिएट करता है? क्यूरियोसिटी क्रिएट करता है. यार आगे क्या होने वाला है ना. अब सलमान खान को हीरोइन मिलेगी कि नहीं मिलेगी, या हीरो विलन को मार पाएगा कि नहीं मार पाएगा, होता है ना. वी गेट एक्साइटेड. हमारा माइंड हिट करता है. सेकेंड साइंस इज माइंड. एक बार आप इमोशंस कवर कर गए तो आप हर बार इमोशन तो नहीं ला सकते हो ना. अब आप एक ही आदमी को भीख मांगते हुए हर रोज देखोगे तो फर्स्ट डे आप बहुत स्ट्रांगली रिएक्ट करोगे, आप पैसे दोगे. सेकेंड डे भी आप दोगे, थर्ड डे भी दोगे, फोर्थ डे सोचोगे ये डेली यहाँ आकर भीख मांगता है, इसके पास कुछ काम धाम करने को नहीं है क्या. यू विल थिंक ऑन दैट वे. तो हर बार इमोशनल कनेक्ट के बाद इंटेलिजेंट कनेक्ट अगर नहीं होगा, या हमारी स्टोरी में सस्पेंस नाम की चीज नहीं होगी, तो हम पिच को बहुत स्ट्रांग नहीं बना पाएंगे. तो सेकेंड जो सबसे स्ट्रांग कनेक्ट है एक बढ़िया पिच का, वो है इंटेलिजेंट कनेक्ट. ठीक है, इमोशनल कनेक्ट की वैल्यू ज्यादा है, मगर कई बार इंटेलिजेंट कनेक्ट भी बहुत स्ट्रॉन्ग हिट करता है. जैसे यहाँ पे भूषण की टीम का इंटेलिजेंट कनेक्ट बहुत स्ट्रॉन्ग हिट किया. अब जब चाय का नाम उन्होंने ताजीब हर बातू रखा, एवरीवन वांटेड टू, मैंने तो कभी नाम सुना नहीं, तो मुझे तो बहुत एक्साइटमेंट हुआ, यार ये नाम है क्या, कहाँ से आया. व्हेन दे शोड हिस्ट्री, मैंने तुरंत थोड़ी देर में गूगल भी करके देखा कि हाँ यार कुछ है कि ऐसा नहीं है. सो दैट्स वेयर माई इंटेलिजेंस और माई क्यूरियोसिटी केम इन टू प्ले, और मैं उससे कनेक्ट हुआ. तो ये दो नाम शॉर्टलिस्टिंग में सबसे ऊपर आए, बाय बोथ सौम्या एज वेल एज बाय अंकिता. तो हमारी ये जो पिच की स्टोरी है, इसका सबसे क्रिटिकल पार्ट पहला हुआ जो कशिश ने बोला, इमोशनल कनेक्ट. अब कशिश नहीं बोलेगी, दूसरा क्या हुआ? इंटेलिजेंट कनेक्ट. राम फातिमा, वेरी गुड टू हियर फ्रॉम यू. इसने सबसे कम बोला लड़की ने इस बार, बट आई थिंक दिस टाइम शी मेड इट फॉर इट. सेकेंड कनेक्ट इज इंटेलिजेंट कनेक्ट. We need to have a very strong intelligence reflection in our talks to make sure कि सामने वाले को हमारी बात की value लगे, उसे लगे कि ये जो बोला जा रहा है ये वाकई में meaningful है, it is useful, you know. Now coming back to the phone example, अब अगर हम अपने parents से phone मांगेंगे, हमें ज़रूरत है, तो हमें सबसे पहले emotional connect बनाना पड़ेगा ना. हमें देखना पड़ेगा मम्मा पापा का mood कैसा है, है ना. कहीं वर्क प्रेशर में बैठे होंगे और आप उस वक्त जाकर बोलोगे तो इमोशनल कनेक्ट क्या आएगा? खबरदार तुमने अभी फोन मांगा मुझसे, दो महीने बाद आना, अभी तो लेकर दिया था तुम्हें. आएगा? Yes, sir. आएगा कि नहीं आएगा? Yes, sir. Yes, sir. तो नेक्स्ट टाइम जब भी फोन जैसी चीज पापा से और मम्मा से मांगना हो, तो पहले देखो मूड कैसा है, फिर देखो उनसे मैं इमोशनल कनेक्ट कैसे बनाऊ. मतलब मेरी बात का लॉजिक भी तो होना चाहिए. ऐसा थोड़ी कि पापा मम्मी ने अभी एक स्मार्टफोन लेकर दिया और आप 3 महीने बाद दोबारा पहुंच जाओ, मुझे दूसरा स्मार्टफोन देना है, क्योंकि हमने यहाँ पे इमोशनल कनेक्ट और इंटेलिजेंट कनेक्ट सीखा है. तो ऐसा नहीं होगा, है ना. बट वी नीड टू एस्टैब्लिश एंड कनेक्ट कि हम अपनी बात को रखने से पहले कुछ चीजें डिफाइन करें जिससे एक इमोशनल रिस्पॉन्स है. फॉर एग्जाम्पल, ये बहाने नहीं दे रहा हूँ आप लोगों को, बाय द वे, है ना, डू नॉट यूज इट विद योर पेरेंट्स, मगर एक आइडिया दे रहा हूँ. अगर हम ये कहते हैं कि मम्मा मेरा तो इसमें ऐप्स ही नहीं खुलते हैं, फोन बहुत स्लो चलता है, गुड टू सी यू काजल, फोन बहुत स्लो चल रहा है मेरा, मेरे से तो बात ही नहीं हो पा रही, बार बार हैंग हो जाता है, मेरी क्लासेस देने में डिफिकल्टी आ रही है, तो पहला इमोशनल रिस्पांस क्या होगा पेरेंट्स का? कंसर्न का. अच्छा, अभी तो कोविड है, उसका सिर्फ पढ़ाई भी सब कुछ फोन पे ही होती है, क्लासेस भी फोन पे होते, चल नहीं रहे क्या, लेट मी सी. तो वो आपकी बातों के लिए ओपन होकर आपको देखेंगे. फिर अगर उन्होंने पाया कि वाकई में फोन आपका नहीं चल रहा है, तो वो आपकी इंटेलिजेंस से कनेक्ट करेंगे कि हाँ आपने जो वैल्यू फीडबैक दिया है वो सही दिया. तो इस तरह हमारी पिच में जब हम इमोशनल कनेक्ट करते हैं, तो अपने आइडियाज को एक्सप्रेस करने के लिए अपने वैलिड चीजों को, अपने क्रिटिकल एस्पेक्ट को निकालते हैं. जैसे चाह वाली टीम ने निकाला, क्या निकाला था जिया, आपका पंचलाइन क्या था, टैगलाइन क्या था? हर दिल की चाहत. द टैगलाइन वाज हर दिल की चाह. हर दिल की चाह, है ना. तो क्या निकाला कि इसको पीने, इसे मीनिंग क्या निकला, इसको पीने के लिए सारी दुनिया बैठी है,
सबको चाहिए एक बढ़िया सी चाय सुबह सुबह, जिससे उनका माइंड फ्रेश हो जाए. एंड दिस चा इज द सेम चाय. तो उन्होंने उस इंटेलिजेंट कनेक्ट को हिट किया. इसके बाद एड जब हिट करता है तो इन सब काम के लिए आपके पास मुश्किल से 15 सेकेंड होते हैं. तो जब भी आप अपने पेरेंट्स से बात करें, अपने दोस्तों से बात करें कुछ समझाने के लिए, अपने स्कूल के कैप्टन से बात करें, अपने क्रिकेट टीम के कैप्टन से बात करें, अपनी बैडमिंटन के कोच से बात करें, आपको अपना कनेक्ट एस्टैब्लिश करने के लिए ना बहुत लिमिटेड टाइम. तो हमें जब भी अपने आइडिया को पिच कर रहे हैं तो हमें टाइम का ध्यान रखना पड़ता है. फर्स्ट 15 सेकेंड्स इज वेयर वी नीड टू एस्टैब्लिश आवर इमोशनल कनेक्ट विद द ऑडियंस. सेकेंड 15 सेकेंड्स इज वेयर वी पुट आवर टैगलाइन, ताकि हमारे इंटेलिजेंस के साथ कनेक्ट हो पाए ऑडियंस. और थर्ड जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आता है इसके बाद, वो एक अपने आप में बड़ी साइंस है. वो साइंस अमित सर आपको बताएंगे, क्योंकि ही इज द बेस्ट स्टोरी टेलर अमंग अस. तीसरी होती है उस चीज के पीछे की कहानी, स्टोरी, है ना. एक अच्छी मूवी बनाने के लिए हमें क्या चाहिए? इमोशनल ड्रामा और स्टोरी टेलिंग. ये तीनों चीजें परफेक्ट आपने अगर मिक्स कर दी तो आपकी चाह भी अच्छी होगी, आपकी पिच भी अच्छी होगी और आपकी लर्निंग भी अच्छी होगी. और ये हम सब लोग यूज करते हैं. कभी आपने देखा होगा बच्चे बहुत ज्यादा रोते हैं. रोने से क्या होता है? पेरेंट्स का टेंशन आता है उनकी तरफ. वो इसलिए रोते हैं क्योंकि वो सक्सेसफुल हो रही है पिच बार बार, ठीक है. लेकिन एक टाइम आएगा पेरेंट कहेंगे रोते रहने दो इसको आज पूरे दिन, है ना. तो हमें इमोशनल रिस्पॉन्स अब्यूज नहीं करना है. वी हैव टू यूज इट इन टू द पॉजिटिव नेचर, जैसे हमारी टीम जिया की टीम ने चाह पे यूज किया. एंड दे केम आउट विद अ वंडरफुल आइडिया, क्योंकि उन्होंने इमोशनल रिस्पॉन्स क्रिएट किया. फिर इंटेलिजेंट रिस्पॉन्स भी क्रिएट किया बाय पुटिंग द टैगलाइन, व्हिच वाज सिंपल टू रिमेंबर बाय द वे. जो भूषण की टीम थी उन्होंने इंटेलिजेंट कनेक्ट पे पहले हिट किया, दैट्स व्हाई इमोशनल रिस्पॉन्स उनका कम था. लेकिन इमोशन विल प्ले अ वेरी स्ट्रॉन्ग रोल, क्योंकि हम सब ह्यूमन बीइंग हैं. हमें एनिमल से अलग ही इमोशन करता है. एंड दैट विल वे वे हायर देन एनी अदर थिंग, है ना. आपने देखा होगा बहुत सारे आइडियाज ऐसे होते हैं जो बहुत ही, मतलब हम सबको लगता है यार इन आइडिया के पीछे तो कोई जस्टिफिकेशन ही नहीं था, या हम पेरेंट्स से भी मांगते तो जस्टिफिकेशन ही नहीं था, मगर पेरेंट्स ने फिर भी मान लिया. ऐसा क्यों? क्योंकि आपने एक बहुत पॉजिटिव इमोशनल रिस्पॉन्स उनके अंदर से जनरेट किया. एंड दे वर सोल्ड ऑफ दैट इमोशन इटसेल्फ, तो उन्हें उसके पीछे के लॉजिक साइंस पे जाने की जरूरत ही नहीं पड़ी. बट दे आर पेरेंट्स, दे कैन डू सो. पेरेंट्स के बाहर जब हमारी दुनिया में हम, तो हमें इन सब एस्पेक्ट्स पे भी ध्यान देना. सो आई एम कवरिंग दीज टू एस्पेक्ट्स. वंस अगेन आई विल क्लोज माई सेशन विद टू इम्पॉर्टेंट कनेक्ट्स. फर्स्ट इज इमोशनल कनेक्ट एंड सेकेंड इज इंटेलिजेंट कनेक्ट. थर्ड जो अब स्टोरी टेलिंग का जो क्रिटिकल मसाला है, स्टोरी टेलिंग कैसे बिल्ड होती है, क्या बिल्ड होती है, क्या साइंस है उसके पीछे, उसके लिए अब मैं रिक्वेस्ट करूंगा अमित से. लेकिन बिफोर आई हैंड ओवर दिस टू अमित, आप सबको इतना समझ में आया अभी तक? यस सर. ठीक है, कोई क्वेश्चन? बढ़िया. तो पहला कनेक्ट क्या होता है? इमोशनल कनेक्ट. इमोशनल इंटेलिजेंट कनेक्ट. इंटेलिजेंट कनेक्ट. ऑसम ऑसम, ग्रेट वर्क. ओवर टू यू अमित. थैंक यू शिशिर. ये स्लाइड्स मैंने शुरू कर दी हैं, सो आई विल क्विकली स्लाइड देम ओवर वंस अगेन प्लीज. इमोशंस टू कनेक्ट विद ऑडियंस, इंटेलिजेंस टू क्रिएट क्यूरियोसिटी अबाउट योर आइडिया, एंड देन इन्फॉर्म. दैट्स वेयर स्टोरी टेलिंग एंड अमित सर का एरिया आता है. सो आई विल कीप क्वाइट हियर. राइट शिशिर, आप नेक्स्ट स्लाइड दिखा दीजिए. आप वो नेक्स्ट स्लाइड. ओके ठीक है, लेट मी ओनली शेयर. तो कितने लोगों को पढ़ना पसंद है कहानियां स्पेशली? और कितने लोगों को मूवीज देखना पसंद है? सर मुझे. मुझे भी सर. इंग्लिश मूवीज. इंग्लिश मूवीज में भी मैंने भी देखनी शुरू ऐसी की थी. इंग्लिश मूवी एक्चुअली इंप्रूव हुई थी इंग्लिश मूवीज देख के. आज आज अटेंडेंस को ज्यादा अच्छी है, तो मैं एक फोटो ले रहा हूँ आपकी. हाँ सो भूषण सॉरी थोड़ा लेट हो गया. सो देखो स्टोरी
शिशिर सर ने दो चीजें बताई और इमोशन कनेक्ट इंटेलिजेंट कनेक्ट और इसकी पूरी कहानी जो है ये बहुत ये सबको कनेक्ट करती है। हम लोग किसी से इसलिए जुड़ जाते हैं क्योंकि हम लोग वो जो बोल रहे हैं वो जो कर रहे हैं वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट था। कई बार क्या होता है हम किसी चीज से गुजर रहे हैं, जैसे आपको फोन चाहिए और किसी का फोन आपने फोन का ऐड देखा जिसमें एक बच्चा अपने माँ बाप से रिक्वेस्ट कर रहा है और उसकी रिक्वेस्ट मान ली जाती है, राइट? तो आप क्या बोलोगे यार मुझे तो ये आइडिया मेरे को भी ट्राई करना है। सो स्टोरी टेलिंग इज मोर अबाउट व्हेन यू कनेक्ट विद दैट स्टोरी, राइट? बहुत 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 सारी ऐसी स्टोरीज होंगी जिनसे आप रिलेट करोगे और बहुत सारी ऐसी स्टोरीज होंगी जो सिचुएशन बेस्ड होंगी। जैसे आज कुछ हुआ आपके साथ, राइट? उसके कारण आज कुछ कनेक्ट करिए। मम्मी पापा ने डांट पड़ी और कोई मूवी देखी जहाँ मम्मी पापा से किसी और पर डांट पड़ी थी, आप तुरंत कनेक्ट करोगे कि हाँ हाँ ये मेरे साथ भी होता है, राइट? सो ये बहुत सिचुएशनल भी होती है। सो आपको ऐसे शिशिर सर ने कहा ना कि एक लोगों का मूड भी देखना होता है, लेकिन जब आप कुछ ऐसा बना रहे हो जैसे आपने आज अपने चाय ब्रांड का नाम बोला, अब उसमें किसी का मूड नहीं देख सकते, चाय सबको पीनी है, ठीक है? अब आपको ये देखना पड़ेगा कि वो इस चीज पे किस पॉइंट पे उनसे कनेक्ट करते हैं। अच्छा ये बताओ आपके फेवरेट ब्रांड कौन सा है, जल्दी से। फेवरेट ब्रांड कोई भी ब्रांड, कोई भी हो सकता है, चाय ब्रांड हो सकता है, मोबाइल ब्रांड हो सकता है। आईफोन सैमसंग ओके। और कौन सा? Redmi. Okay. और आपके अपने reasons होंगे? Reasons क्या हैं? Sir, quality बढ़िया है। Quality बढ़िया है? Yes sir. कशिश आपको Apple क्यों पसंद है? Sir मुझे उनके phones का size बड़ा अच्छा लगता है, मेरे को छोटे फोन बड़े पसंद है तो वो अच्छा है, वो है काफी अच्छा और उसका साइज भी काफी मेरे अकॉर्डिंग ही जैसा मुझे चाहिए। ओके ओके और कोई फोन्स के अलावा कुछ? ज़ारा है, सारे फोन्स पे लगे हुए हैं। सर ज़ारा, सर शीन जो कि अब अनलकीली नहीं है। मानसी कौन सा ब्रांड? सर शीन। शीन तो मुझे पता है। सो इसमें अब देखो मैं पॉइंट्स बताता हूँ। एक तो ये है कि आपने वो यूज किया या किसी से सुना कि बहुत बढ़िया प्रोडक्ट है, राइट? तो आपने वो करेक्ट बना लिया कि मुझे बढ़िया प्रोडक्ट यूज करना है, घटिया प्रोडक्ट नहीं यूज करना, वो तो ऑब्वियसली ऑब्वियस रहता है। अब कशिश ने बोला एप्पल, राइट? और आपने बोला ज़ारा। अब ये ज़ारा और अवनी बोल रही है ब्लू, सारे ब्रांड जो है पैनासोनिक, ज़ारा, वो ज़ारा वाले बहुत सारे लोग हैं। सर नायका, सर बाटा। तो अब सबके, अब मैं बताता हूँ मेरे लिए लॉजिक क्या है इन सबके ब्रांड्स के, राइट? क्योंकि मैं ये सब R&D रिसर्च करता रहता हूँ। सो बाटा इज दी वन ऑफ दी ओल्डेस्ट ब्रांड्स इन इंडिया। हमारे माँ बाप, उनके माँ बाप और उनके माँ बाप भी बाटा यूज करते थे, लेकिन कितने लोगों को पता कि बाटा इज नॉट एन इंडियन कंपनी? आपको पता है? देखा? सो बाटा इज अ कैनेडियन कंपनी और क्योंकि वो इतने सालों से हम देख रहे हैं ना, तो किसी को नहीं पता कि वो इंडियन कंपनी नहीं है। इट जस्ट अ कनेक्ट, हमको लगता है कि ये इंडियन कंपनी क्योंकि आप इतनी बार देख रहे हो। सो इट्स अ स्टोरी, इतनी बार रिविजिट किया आपने कि वो हो गया आपके दिमाग में बैठ गया, तो हमें देखते हैं बचपन से देख रहे तो इंडियन कंपनी होगी, जैसे बजाज है और बजाज की एक टैगलाइन है जो आज तक फेमस है, हमारा बजाज। और ये उस टाइम आई थी जब टू व्हीलर्स 1970s में जब फोर व्हीलर इतने नहीं होते थे, टू व्हीलर्स होते थे, टैगलाइन थी हमारा बजाज, इट्स फॉर यू। टाटा नैनो सबको पता होगा, छोटी सी कार निकाली थी टाटा ने। यस सर, टाटा नैनो कार बहुत अच्छी थी, राइट? रतन टाटा जी ने बहुत टाइम लगा के रिसर्च करके वो बनाई थी कार,
लेकिन उन्होंने क्या किया, आम आदमी की कार करके टैगलाइन बना दिया। अब हुआ ये कि अगर किसी अच्छे फैमिली से किसी को चाहिए, कार पसंद है लेकिन आम आदमी की कार है इसलिए मैंने नहीं लेनी, राइट? सो ये रिवर्स साइकोलॉजी हो गई कि कार तो अच्छी है लेकिन मुझे नहीं लेनी क्योंकि आम आदमी की कार, मैं आम आदमी नहीं। और आप लोग एप्पल और जारा इसलिए लेते हो क्योंकि वो एस्पिरेशन वैल्यू है, बिकॉज एवरीबडी एल्स आई नो यू नो द फिल्म स्टार्स द मूवी स्टार्स वेयर दिस सारा यू नो दे यूज आईफोन, सबके हाथ में आईफोन अच्छे लगते हैं जबकि फोन फोन होता है अल्टीमेटली। मेरे हिसाब से आप आईफोन यूज करो, सैमसंग का फोन यूज करो, एमआई का फोन यूज करो, फोन अल्टीमेटली सारी चीजें सेम होती है, क्वालिटी का फर्क है और एस्पिरेशन वैल्यू है, राइट? जिस तरह से वो प्रेजेंट करते, तो एप्पल इज एक्चुअली नोन फॉर दैट। Whenever you have time, go back and see when they launched iPhone, and even when they launched Mac or they launched iPads, वो इतना उसके अराउंड इतना सस्पेंस क्रिएट कर देते ना, सस्पेंस वो खरीद लेते थे और अब रिलायंस वालों ने वो कॉपी करना चालू कर दिया। सो दे टू डेज थ्री डेज बैक दे लॉन्च्ड अ फ्यू एप्स यू नो फ्यू प्रोडक्ट्स जस्ट लाइक दैट, क्योंकि वो उस हिसाब से आप लोग परसीव करते हैं, बड़ी कंपनी है लगना चाहिए कि बड़ी कंपनी, तो इट्स अ परसीव्ड वैल्यू। मैं जल्दी से अपनी प्रेजेंटेशन खोलता हूँ, लेट मी जस्ट शेयर, आप लोग को जब ये स्क्रीन दिख जाए। अच्छा कैडबरी, यार ये कैडबरी से बोला है, ओके बहुत सारे कैडबरी वाले, हाँ यार मुझे भी चॉकलेट्स बहुत पसंद है, मेरे को डाइवर्ट मत करो मैं भूल जाऊंगा। और अफोर्डेबल होती थी, तो बचपन में जो पहली चीज मिलती ना उससे कनेक्ट हो जाता है, राइट? सो देयर इज अ दिस इज व्हाट वी कॉल अ इमोशनल एंड हिस्टोरिकल फैक्ट कनेक्ट। बहुत सारे चीजें आप रिलिव करना चाहते हो बचपन की, 2 साल 3 साल 5 साल पहले हुआ होगा कि हाँ यार वो टाइम बहुत बढ़िया था, राइट? वो होता है, सबके साथ होता है, तो वो कैडबरी के साथ वो है, मैगी के साथ भी वही है। मैगी सबको पसंद है और मुझे पता है सबको बनानी आती होगी, राइट? कितने लोग मैगी प्रेमी है यहाँ पे? मुझे तो लगता है सारे के सारे, मतलब 28 पीपल हु आर देयर इंक्लूडिंग मी मैगी प्रेमी है। सो मैगी के साथ अभी आप लोग ने शायद सुना होगा 3-4 साल पहले हुआ था कि मैगी में कुछ एलिमेंट्स हैं व्हिच इज हार्मफुल फॉर आवर हेल्थ। यस सर, लेड। हाँ, और मैगी को खाने के लिए वो सारे जो मैगी थी वो वेस्ट करनी पड़ी, वो यू नो उसको फेंकना पड़ा। सो नाउ मैगी इज बैक एंड यू नो दे आर नॉट, आई एम नॉट श्योर दे हैव चेंज एनीथिंग। वो ये था कि किसी और ब्रांड ने उनका ब्रांड वैल्यू कम करने के लिए वो हमारे लिए वो असली वैल्यू कर दी थी कि यार ये शायद गलत, ये गलत तरीके से बिकते हैं, जबकि मैगी इंडिया में कुछ 30-35 साल से बिक रही है, राइट? हमारे हमारे पेरेंट्स तो इतना नहीं खाते थे लेकिन हाँ आप लोगों ने खाई है मैगी, राइट? सो देयर इज दिस कनेक्ट विद मैगी आल्सो। हां, सो मैं परसीव्ड वैल्यू की बात करता था। सो इट्स वन इज हाउ यू लुक एट थिंग्स एंड वन इज द रियल वैल्यू, राइट? तो जितने भी आपने एग्जांपल्स बोले, जितने भी ब्रांड एग्जांपल्स बोले, एक परसीव्ड वैल्यू है कि मैं आईफोन ले रही हूं तो मैं बेटर हूं सबसे, राइट? मैं ज़ारा के कपड़े पहन रही हूं, मैं बेटर हूं सबसे। लेकिन अगर मैं एक आईफोन और एक आईफोन की कॉपी तुम्हारे सामने रख दूं, ठीक है, जो बिल्कुल एकदम डिट्टो आईफोन जैसा लगता है,
और दो अलग अलग यूज कर रहे हैं लोग, तब तक तुम्हें उसकी प्राइस नहीं पता है ना, तब तक वो परसीव्ड वैल्यू है। जैसे तुम्हें पता चला कि ये आईफोन की कॉपी इसने 10,000 में खरीदी थी, मैंने ये आईफोन 80,000 में खरीदा था, तो तुम्हारे लिए वो मतलब हार्ट ब्रेक हो जाएगा कि मैंने 70,000 एक्स्ट्रा ऐसी वेस्ट कर दी, राइट? सो दिस इज अब हम बात करेंगे आइडियाज की, राइट? तो जो जिस तरह से कुरकुरे, नेस्ले, पार्ले जी, ये सारे अभी भी एक नाम आ रहे हैं, बढ़िया, और ये सारे नाम सबको याद हो गए, कुरकुरे हो गया, नेस्ले हो गया, तो अब आइडियाज की बात करेंगे। ये स्टोरी टेलिंग जब होती है, देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टोरी टेलिंग। किसी सर ने आपको वो स्टोरी टेलिंग समझाई जो आप एज अ पर्सन आप पेरेंट्स के साथ करते हो। अभी 2-4-5 साल में आप या तो जॉब्स करोगे या अपने कंपनी चालू करोगे, तो आप बहुत लोगों से मिलोगे, बात करोगे, तो वहां पे जो शशि सर बोले थे ना कि रोके बना ले, वहां पे रोना गाना नहीं होगा, पेरेंट्स सुनेंगे घर पे, पेरेंट्स के सामने रो सकते हो। जब 19-20-25 साल के हो जाओगे, जब हमारी एज के हो जाओगे, तो रो नहीं सकते हो। यू जस्ट नीड टू यूज योर वर्ड्स, यूज योर कम्युनिकेशन, जो कॉमे मैम ने सिखाया था, टू कन्विंस और मोटिवेट अदर्स टू डू समथिंग फॉर यू। सो जब पहले पिच करते हैं, राइट, तो यू नीड टू अनाउंस कि हम लोग ये कर रहे हैं, राइट? जो एप्पल क्या करता है, वो एक सस्पेंस क्रिएट कर देता था जब भी लॉन्च होता था। आपको पता है इस महीने में एप्पल का एक नया आईफोन लॉन्च होने वाला है, तो जो लोग एप्पल यू नो देयर पीपल हु आर एप्पल फैंस वुड वेट फॉर दैट डे कि नया क्या आ रहा है, खरीदना है हमें। तो ऐसे ही कोई भी चीजें लॉन्च होती हैं आजकल काफी कंपनीज ये करती हैं, वो पहले अनाउंस करती हैं, वो क्या करती हैं, एक बोलती हैं आप प्री बुक कर सकते हो, जैसे गाड़ियां जो कार्स बहुत सारी प्री बुक होती हैं, ताकि आपको सिर्फ वो एड देखिए, आपको एड देख के पसंद आएगी। मैंने 10 साल लुधियाना में बिताए हैं, और लुधियाना में एक बहुत सही चीज होती थी, लुधियाना में आज मैंने एड देखी और अगले हफ्ते घर में ना वो कार मेरे को बहुत सारे दिखाई, तो व्हेन आई वाज देयर वी हैड मोर कार्स देन पीपल इन लुधियाना, और हम लोग ये कहते थे कि यहाँ पे सिर्फ फ्लैश चलता है, राइट? तो आप दिखा दो कोई अच्छी चीज है, दिखेगी दिखाएगी, एंड दैट्स मार्केटिंग एंड एडवर्टाइजिंग। फिर नेक्स्ट जो चीज आती है यहाँ पे, ये आ रही है इमोशनल करेक्ट, राइट? सो यू नीड टू ऑल्सो टॉक अबाउट प्रॉब्लम विच यू वांट टू। अब प्रॉब्लम बहुत टाइप की हो सकती है, नैनो ने प्रॉब्लम क्या सॉल्व की थी, नैनो का टैगलाइन क्या बनाया था मैंने, याद है किसी को? फिर आम आदमी की कार, आम आदमी की कार। हाँ, सो रतन टाटा जी ने बोला था कि दिस इज अ कार विच शुड यू नो एवरीबॉडी शुड हैव अ कार बिकॉज रोड सेफ्टी नहीं है। जो बाइक्स पे जाते हैं, जो स्कूटर्स पे जाते हैं, उनके एक्सीडेंट होते हैं, दिस इज नॉट सेफ। सो ही एक्चुअली थॉट ऑफ दैट एज अ प्रॉब्लम ही वांटेड टू सॉल्व, और उन्होंने वो बना के किया था कि एवरीबॉडी शुड हैव अ कार, जितना भी बजट है, यू नो सबसे सस्ती कार थी एक टाइम पे वो। तो दिस इज अ प्रॉब्लम व्हिच ही थॉट ही विल बी एबल टू कनेक्ट। अ लॉट ऑफ पीपल डिडंट बाय इट बिकॉज़ दे थॉट अदरवाइज बिकॉज़ ऑफ द टैगलाइन। अब मैगी का क्या प्रॉब्लम है, मैगी क्या प्रॉब्लम सॉल्व कर रही है, वो कहती है 2 मिनट मैगी, 2 मिनट नहीं लगते सबको पता है, राइट? लेकिन बेलते 2 मिनट की मैगी, क्योंकि और कुछ भी बनाएंगे ना, और स्पेशली इंडिया में हम लोग बनाएंगे, रोटी बनाओगे, सब्जी बनाओगे, तो तुम्हारा आधा घंटा तो आराम से जाएगा, मतलब अंटिल अनलेस यू आर अ परफेक्ट शेफ, राइट, आपका आधा घंटा तो आराम से जाएगा। तो उन्होंने कहा कि आप जल्दी लग रही है, राइट, तो आपको कुछ जल्दी बनाना है, तो मैगी इज द परफेक्ट सोल्यूशन। और अब क्या हो गया, उससे भी टाइम कम करने के लिए उन्होंने क्या किया, वो पैक्स निकाल दिए जहाँ जिसमें गर्म पानी डालो, ठीक है, वो छोटे छोटे जो बॉक्सेस आते हैं, पानी डालो, मिक्स करो, एंड देन इन 3 मिनट्स यू कैन ईट दैट। अब हम फिर उनके बाद जब हमने प्रॉब्लम सॉल्व कर दी, अब हम उनको सॉल्यूशन बताते हैं, और सॉल्यूशन बताने के बहुत सारे तरीके हैं, राइट? आपने सॉल्यूशन बता दिया और उसको
क्लैरिफाई कर दिया कि हाँ जैसे नैनो का एग्जांपल लूंगा तो मैं बीएमडब्ल्यू का भी एग्जांपल लूंगा, राइट? बीएमडब्ल्यू इज वन ऑफ द प्रीमियम मोस्ट कार्स, यू नो दे आर दे, तो वो लोग उनका सेलिंग प्रोपोजिशन क्या होता है कि उसमें एयर बैग्स लगे हुए हैं, राइट? दी हॉर्स पावर इज डिफरेंट, देन दे हैव अ डिफरेंट यू नो वे यू कैन नेविगेट. आप कुछ लोगों को सिर्फ शो ऑफ के लिए वो गाड़ी चाहिए, राइट? तो यू विल लुक नाइस व्हेन यू सिट इन अ बीएमडब्ल्यू और अ मर्सिडीज फॉर दैट मैटर. सो अलग अलग चीजें हैं और आपको अलग अलग अपना यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन करना पड़ेगा. जब आपने चाय की बात करी, राइट, और चारों के नाम अलग अलग थे, चारों की टैगलाइन अलग अलग थी और आपने अलग एक सेलिंग प्रोपोजिशन क्रिएट करने की कोशिश की. अच्छा ये बताओ, ये जो ब्रांड्स आप सबने बोले उसमें आपके हिसाब से सबसे अलग क्या होता है? जैसे मैगी बोला, मैगी मैंने बता दिया, और जो ब्रांड बोले सैमसंग में अलग क्या होता है? बाकी सब फोन्स है तो सैमसंग अलग क्या दे रहा है? भूषण म्यूट पे हो, सॉरी. अकॉर्डिंग टू मी सर उसकी क्वालिटी बढ़िया रहती है. ओके, क्वालिटी सर, उसकी बैटरी सर, प्राइसेस सर, आपका पर्सनल एक्सपीरियंस वो अलग करता है कि आपको स्पेशल फील करवाता है वो प्रोडक्ट अगर आपके पास होगा. ओके, उत्सव का कहना है सैमसंग मेक मिलिट्री टैंक्स. ओके, उत्सव में मैंने भी नहीं सुना आज तक, लेकिन मैं जाके चेक करता हूँ. सर, सैमसंग इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट कंपनी. सैमसंग की हिस्ट्री पढ़ना, सैमसंग ने एक्चुअली घड़ियां बनानी चालू की थी, राइट? एक्चुअली कैलकुलेटर बनाते थे, फिर घड़ियां बनाई और फिर धीरे धीरे बढ़ती काफी चीजें बनाने लगे. So they have a very good history. Sir, उससे पहले ये grocery trading में business में थे, ये noodles भी बनाते थे पहले, और और अब ये इतनी बड़ी company हो चुकी है कि ये North Korea की पूरी 15% GDP इन्हीं से है. Yes, उत्सव. हाँ. Thank you for the information. I think ये मैं भी भूल गया था. मैंने पढ़ा था Samsung. Samsung is one of the most impressive company in the way they kept changing their businesses. तो यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन वो बहुत जरूरी है. मैंने कह रहे हैं प्रोडक्ट्स अफोर्डेबल है, ठीक है? तो यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन बहुत सारी चीजें होती है, राइट? तो चाहे अब चाहे मैं चारों टीम के बाद चाहे तो मान लो एक ही सप्लायर है, आप उसको जिस तरह से पैकेज कर रहे हो, जिस तरह से बेच रहे हो, वो जरूरी हो जाता है. तो मैं आपको बता दूँ, एक स्टोरी बता दूँ. मैंने जब पहला या दूसरा इंटरव्यू था मुझे, सो आई यूज टू वर्क विद कॉल सेंटर्स, बहुत साल हो गए, 15-16 साल. तो मेरे को naukri.com में इंटरव्यू के लिए बुलाया था और मैं नींद में गया. वहाँ पे जो मेरे बॉस थे, दिल्ली से आए थे, मैं चंडीगढ़ रहता हूँ, उन्होंने मुझे कुछ सवाल पूछे और फिर एक पेंसिल पकड़ा दी और बोला बेच के दिखाओ, ठीक है? अब पेंसिल वो सिंपल है, पेंसिल लिखने के काम की है. अब वो क्रिएटिविटी थी जो उस टाइम इम्प्रॉम्प्टू मेरे पास, मैं तैयार पेंसिल कैसे बेचूंगी, तो क्या क्या हो सकता है पेंसिल के लिए, क्या क्या हो सकता है ये बताओ. हाउ डू यू सेल अ पेंसिल सर? तो पहले तो उससे पूछो इफ ही इज इन नीड ऑफ पेंसिल या नहीं. ओके सर, उसके बाद अगर उसकी नीड नहीं है तो उसको मतलब लाइक कन्विंस करें कि अगर आपको नीड होगी लाइक हम है एंड एक दो फीचर्स बता दें. अगर उसको जरूरत होगी तो बताएंगे कि आपकी पेंसिल ही क्यों, लाइक मतलब बाकी ये भी कॉमन पेंसिल है लेकिन आप इसको क्यों चूज करेंगे. सर, मेरे हिसाब से तो पेंसिल ज्यादातर छोटे बच्चे यूज करते हैं, तो बाकी जब बड़े हो जाते हैं तब तो पेन वगैरह यूज करते हैं, तो इसलिए आपको उसको थोड़ा क्रिएटिव वे में, ताकि बच्चे उसे देख के इन्फ्लुएंस होए और उनके पेरेंट्स भी, मतलब अगर आप उसको थोड़े क्रिएटिव वे में उसके फीचर्स बताओगे तो उनके पेरेंट्स भी इन्फ्लुएंस होंगे और वो अपने बच्चों को आपकी पेन से दिलवाएंगे. राइट, अब मैं बताता हूँ मैंने क्या बताया था. 16 साल हो गए इस कहानी को, अब जितना मुझे याद है मैंने बताया था, एक तो हैंड राइटिंग इससे अच्छी हो जाएगी. आप इसके पीछे अगर इरेजर लगा देते हैं तो आपको इरेजर अलग से खरीदना नहीं पड़ेगा, आप उसी से रब कर सकते हैं, उसी से लिख सकते हैं.
सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि आप पेन से जब लिखते हैं तो आप रब नहीं कर सकते, राइट? तो आपको एडिटिंग करनी है तो आप पेंसिल से एडिटिंग कर सकते हैं. तो पेंसिल इज वेरी इंपॉर्टेंट. और ये पेंसिल लकड़ी की बनी है, सो बायोडिग्रेडेबल है, राइट? तो इसका इम्पैक्ट क्लाइमेट पे भी नहीं पड़ रहा है. तो ये सारी कहानी मैंने उस टाइम जितनी बना सकता था मैंने बनाई. अब मैं ये स्टोरी इसलिए सुना रहा हूँ क्योंकि वो कई बार ये होगा, आप लोगों के साथ भी होगा, कि दैट यू नीड टू थिंक ऑन योर फीट व्हाइल यू आर यू नो टॉकिंग टू समबडी. कई बार अचानक से एलिवेटर पिच की बात कर रहा था ना, गलती से कोई एलिवेटर मिल जाएगा, आप तो हमेशा तैयार नहीं रहोगे. एलिवेटर में बैठे हैं, कोई ना कोई आएगा जिसको पिच करना है, ऐसा नहीं होगा. बट यू नीड टू ऑलवेज बी रेडी. सो जब मैं स्टार्टअप्स को भी एडवाइस करता हूँ ना, आई एडवाइस अ लॉट ऑफ स्टार्टअप्स ऑन दिस पिचिंग, मैं कहता हूँ कि हमेशा आपके पास अपने 3-4 लाइन तैयार होने चाहिए, बिकॉज यू नेवर नो हूम यू आर मीटिंग. इससे स्टार्टअप कहानी से एक और स्टोरी याद आ गई, बट लेट मी सो पीपल लुकिंग फॉर सॉल्यूशन. तो अब आपको मार्केट ढूंढनी, जैसे आप लोगों ने खुद ही एक्सप्लेन कर दिया, पेंसिल्स बच्चे यूज करते हैं तो उनके पेरेंट्स को मार्केट करेंगे, राइट? बच्चों को मार्केट करेंगे. चॉकलेट्स, कभी देखा चॉकलेट्स जो होते हैं, राइट, यूजली एक्सेप्ट 5-स्टार इफ आई रिमेम्बर, सब लोग बच्चों को टारगेट करते हैं क्योंकि बच्चे खाते हैं. नहीं सर, कैडबरीज तो सबको टारगेट करते हैं. 5-स्टार वही कैडबरी का ही है ना, 5-स्टार. यस सर. नहीं, नॉर्मल कैडबरी भी. सर कैडबरी भी और किटकैट भी सर. अच्छा हाँ, वो सब कुछ करते हैं, राइट? तो अलग 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 ब्रांड्स अलग अलग चीजों को करते हैं. बहुत मतलब उन्होंने, जैसे मैगी है, मैगी भी करता है. पास्ता कभी बुजुर्ग नहीं देखोगे पास्ता खाते हुए, यू नो यू विल नेवर सी अ एल्डरली पर्सन ईटिंग अ पास्ता. इट इज ऑलवेज वन ऑफ द पेरेंट्स एंड द किड्स. इट्स जस्ट हाउ यू मार्केट दैट. हाँ, और जब भी आइडिया पिच करें, राइट, जैसे अपनी जैसे मुझे बहुत बढ़िया लगा जब आप लोगों ने अपने चाय के आइडियाज की बात कही. यू एक्चुअली यू नो लुक, यू ऑल्सो लेफ्ट द डिस्कशन पॉइंट्स फॉर अदर टीम मेंबर्स ऑल्सो. दिस इज हाउ यू नो यू वर्क एज अ टीम. अगर अकेला एक पर्सन सुना देता तो वो टीम नहीं पता चलती कि वो टीम ने कितने क्या क्या किया. और ये जल्दी हुआ, ये तो 10 मिनट थे आप लोगों के पास. सो आई एक्चुअली love that idea that you gave everybody a chance to, you know, speak their mind. Ab main kuch aapko wo bataunga, dikhaunga, photos dikhaunga, and I'll quickly ask. Haan, to ye mujhe bahut sahi image lagi thi jab main thoda research kar raha tha isi cheez pe. Ab maan lo ek movie hai, right? DDL jo sabne dekhi hogi, Dil Wale Dulhaniya Le Jayenge. बहुत सारे और एग्जाम्पल है, जैसे टाइटैनिक. अब ये सोचो कि टाइटैनिक में, जैसे पहली स्टोरी है टाइटैनिक में, पहले उनको बता दो कि डूबने वाला है जहाज. अब जहाज डूब गया, क्लाइमेक्स पहले दिखा दिया. अब उसके बाद तुम स्टोरी रिवर्स करते हो ना, तो लोगों का इंटरेस्ट नहीं रहेगा, बिकॉज दे ऑलरेडी नो कि व्हाट इज गोइंग टू हैपन. अ स्ट्रॉन्ग स्टोरी इज व्हेन यू सेट अप, आपने पहले कनेक्ट किया. पहले होता ना कि हीरो हीरोइन मिलते हैं, या हीरो विलन पहली बार कहाँ मिले, यू नो बहस हुई, फिर फाइनल में जाके लड़ते हैं. तो इट इज अ स्टोरी विच हैज टू बी बिल्ड. यू कैन नॉट जस्ट पिक अप समथिंग हैफजर्डली एंड से दैट यू नो यहीं से स्टोरी स्टार्ट होगी. हम लोग मेल जैसे लिखते हैं, सब्जेक्ट लाइन लिख देते हैं कि हाँ, एक लाइन में समझ आ जाए कि नीचे क्या लिखा हुआ है. बट वेन यू आर टॉकिंग अबाउट योर सेल्फ, यू आर टॉकिंग अबाउट योर स्टोरी, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. Or a brand, you know, it is very important that you give them a connect. And जो शिशिर सर ने समझाया और जो अब तक मैंने समझाया ना, वो सारी चीजें आएंगी, इंटेलिजेंस आएगी, इमोशन आएंगे, स्टोरी टेलिंग आएंगी. यू फाइनली डू दैट कनेक्ट एंड देन यू गिव दिस. सो दिस इज बेसिकली ये जो पीस है. तो आप पहले सेटअप करते हैं, फिर उनको प्रॉब्लम सेट हो जाते हैं कि आपको ये प्रॉब्लम आती है इसीलिए. तो आपने सेटअप किया, थोड़ी सी कहानी दिखाई और सोल्यूशन दिखाया. एंड इट कुड बी एनी वे, राइट? इफ यू आर डूइंग इट योरसेल्फ, इट कुड बी अ लिटिल फनी, इट कुड बी अ लिटिल सीरियस, इट कुड बी यू नो मिक्स ऑफ बोथ. इट इज अप टू यू, हाउ डू यू थिंक द अदर पर्सन वुड रिएक्ट टू यू. अब मैं कुछ जल्दी से एड्स दिखाता हूँ.
सॉरी सर ये प्ले नहीं हो रहा है आई थिंक मेरे एंड पे कोई बात नहीं नेक्स्ट पे चलते हैं यस अंजलि आपने हैंड रेज किया है मैं चैट भी देख लेता हूँ ठीक है सो ये दिख रहा है सो आई लव अमूल बिकॉज दे डू अ लॉट ऑफ दिस थिंग्स डिफरेंटली जब ये सुंदर पिचाई बिकेम यू नो द सीईओ ऑफ गूगल उन्होंने ये निकाला था ये कब निकाला ये कब निकाला होता ये अगर देखोगे अमूल जो भी बनाता है ना अलग बनाते हैं और अमूल ने कनेक्ट किया कि जब हुआन पे वहां पे जब हुआ था कि ये पैंडेमिक हो गया है राइट सो दे क्रिएटेड दिस और फिर अभी जब चाइना बैन की बात हो रही थी तो उन्होंने ये बना दिया सो बेसिकली अब आपको समझ आ गया कि हाउ डू यू बिल्ड अ स्टोरी राइट जल्दी से एक्टिविटी करते हैं एक्टिविटीज उसी से कनेक्टेड है आपने अपने चाय ब्रांड सोच लिया था चार टीम्स थी चारों ने अपना चाय ब्रांड सोच लिया था अब आपको उसके लिए 15 मिनट में एक एडवर्टाइजिंग पिच बनानी है बेसिकली एड टीवी एड होती है ना सबने देखी टीवी एड्स जल्दी से टीवी एड सुनानी है मतलब यू डोंट नीड टू इनएक्ट इट यू कैन जस्ट शेयर यू नो प्रॉब्ली क्रिएट अ थीम कि ऐसे लोग होंगे आपस में ऐसे बात करेंगे यू नो क्विकली वन मिनट आपको मिलेगा पिच करने के लिए 15 मिनट है आई एम गोइंग टू मेक ब्रेकआउट रूम्स अभी किसी के पास कोई क्वेश्चन है तो प्लीज फील फ्री टू आस्क सर इस एक्टिविटी से रिलेटेड या वैसे हाँ इस एक्टिविटी से रिलेटेड वैसे भी सर मैंने पूछा था कि हम इंटेलेक्चुअल कनेक्ट और इमोशनल कनेक्ट एक साथ कैसे बना सकते हैं सर दोनों चीजें तो डिफरेंट डायरेक्शन में जाती है देखो इंटेलेक्चुअल कनेक्ट और इमोशनल कनेक्ट में भी कनेक्ट मतलब यू आर एक्चुअली टारगेटिंग द सेम पर्सन राइट सो समटाइम्स इट्स जस्ट अबाउट यू ऑलवेज वांटेड टू प्ले क्रिकेट राइट एंड यू सी एन एड वेयर kids are playing cricket and then they did something for you that probably will be one of the connects right ki cricket khel main bhi cricket khelta hu aur wo log bhi cricket khelte hain so it could be anything which triggers aur ye thoda sochna padta hai so it depends to ek bar ye activity karte hain isi mein se aapko aapke sawal ka jawab mil jayega okay I'd like to add there on your question aap it's क्वेश्चन इज नॉट अबाउट आपने एक साथ बनाया आपने अलग अलग बनाया क्वेश्चन इज अबाउट क्या आप बना पाए दैट इज द राइट क्वेश्चन टू आस्क आपकी शुरुआत इमोशनल कनेक्ट से होगी पहले क्योंकि नॉर्मली जब भी आप किसी अनजान आदमी से भी मिलते हो तो पहले आप स्माइल पास करते हो ना दैट इज द फर्स्ट स्टेप टूवर्ड्स कम्युनिकेशन और स्माइल क्या करता है एक कॉम्फर्ट जोन में हमें लेकर आता है एक इमोशनल रिस्पॉन्स क्रिएट करता है एश्योरिटी का तो पहला कनेक्ट सबसे जो प्राइमरी मोटिव जिसपे हमें अटेम्प्ट करना चाहिए दैट इज इमोशनल रिस्पॉन्स इमोशनल कनेक्ट दैट इज ऑलवेज गोना बी फर्स्ट इन आइडियल सिचुएशन इन एवरी पॉजिटिव सिचुएशन मगर कई सिचुएशंस ऐसी भी होती हैं जहाँ पे हम इंटेलिजेंट कनेक्ट बेटर बना पाते हैं और इंटेलिजेंट कनेक्ट क्वियर बना पाते हैं लाइक भूषण की टीम ने जब बिल्डअप किया था तो दैट वॉज इंटेलिजेंट कनेक्ट विच दे मेड फर्स्ट उससे बहुत लोग कनेक्ट भी कर पाए कि यार ये क्या यूनिक सा नाम है Where did they came out with the history? क्योंकि अमित सर ने तब तक बना दिया था बेस कि इन्होंने कौन कौन सी हिस्ट्री से निकाल के चाय का ये स्पेसिफिक नाम लेकर आए जो हमने सुना ही नहीं तो वी गॉट इंटरेस्टेड इन दैट बिकॉज ऑफ देयर क्यूरियोसिटी बिकॉज ऑफ आर क्यूरियोसिटी ऑन दैट आइडिया तो हमने इंटेलिजेंट कनेक्ट से उनको पहले कनेक्ट किया बट बिकॉज इमोशनल कनेक्ट वॉज वे स्ट्रॉन्गर इन नॉर्मल सेंस हमने चाह को बहुत लोगों ने टॉप में आइडियाज को कंसीव करके सेलेक्ट किया प्रायोरिटी हमारी है इमोशनल कनेक्ट बिल्डअप करने की अगर इमोशनल कनेक्ट बिल्डअप होने में कोई प्रॉब्लम आती है देन यू ऑप्ट फॉर द नेक्स्ट बेस्ट थिंग इंटेलिजेंट कनेक्ट इन योर पिच थैंक यू सर थैंक यू सर हां सो अब एक्टिविटी को लेके किसी को कोई क्वेश्चन है जल्दी से पूछ लो एंड देन वी विल गेट इनटू ब्रेकआउट रूम्स
और एक्टिविटी के बाद फिर मैं पेन और पेंसिल पे एक स्टोरी सुनाऊंगा जब अमित सर रैप अप करेंगे. ठीक है. सो आई एम ब्रेकिंग, आई एम डूइंग दिस ब्रेकआउट. सर सर हमें एक एड टाइप का बनाना है ना, जैसे टीवीज वगैरह में एड्स yes. आते हैं yes. इस टाइप में. ओके okay. आप लोग जल्दी से अपने अपने ब्रेकआउट रूम में ज्वाइन कर लीजिए.
So we will wait for everybody to join in next 30 seconds and we'll start. ठीक है, मेरे ख्याल से सब लोग आ गए हैं. ठीक है, तो पहली टीम जो भी तैयार है वो अपना शेयर करें एंड स्टार्ट कर. हाँ तो कर दें स्टार्ट. बिल्कुल अंगद. तो सर हमारे लिए अप्रोक्सीमेटली 15 सेकंड्स की एक एडवर्टीजमेंट होगी. ओके. तो सर मतलब हम दिखाते हैं कि थोड़ा सा ओल्ड कॉलेज प्रोफेसर जिसके जिसने लाइक ट्रेडिशनल खादी वेस्टकोट और बैग अपना झोला जो होता है वो लेके एंड स्पेक्स पहने हुए थोड़े वाइट बाल हैं अपने ट्रेडिशनल घर में जाता है जहाँ जैसे लॉक्स नहीं होते जो दरवाजे में नहीं लगे होते थे पहले जमाने में अलग से लगे होते थे कुंडी के साथ वो हाँ. खोलता है थोड़ा बड़ा सा उसकी क्लिक आवाज आती है जैसे ही अंदर जाते हैं तो उसके एक माउंटेन उसकी फोटो आती है कि वो एक उसको माउंटेन एक्सपीडिशन का अवार्ड मिल रखा है और एक फोटो है जहाँ पे वो एंजॉय कर रहा है अपने यंगर टाइम्स में और पीछे इन द मीनवाइल गाड़ी का और हॉर्न ऑन का शो आ रहा है वो अपने किचन में जाके ट्रेडिशनल जैसे किचन होती है उसमें जाके चाय बनाता है और जब वो पत्ती डाल रहा होता है तो हमारा ब्रांड वो सब दिखता है एंड जैसे और वो जब चाय डाल के सर अपनी रॉकिंग चेयर पे बैठता है और उसका जैसे ही वो पहला सिप लेता है तो सारा गाड़ी का शोर बंद हो जाता है और फोनोग्राफ का पिन नीचे गिर जाता है जो सर वो डिस्क वाला नहीं आता पहले जमाने में वो उसका म्यूजिक बनता है एंड सडनली वो आंखें बंद करता है एंड उसके बाद वो एक वाटरफॉल के पास पहुंच जाता है जहाँ बर्ड्स की आवाज और वाटरफॉल की आवाज आती है एंड वो नीचे से अपने पानी ऐसा उठा के गिराता है अपने हाथ से एंड बस उसके बाद हमारी लोगो जो हमने बनाया एक ट्विग लीफ का और अपना ब्रांड नेम और लोगो आ जाता है. बहुत बढ़िया. थैंक यू. एनीबॉडी एल्स फ्रॉम द टीम वांट टू ऐड समथिंग? नो सर, ऑल क्रेडिट गोज टू अंगद. अंगद नहीं कर रहा है, हमने थोड़े थोड़े से बोला लेकिन फिर भी सब अंगद नहीं कर रहा है. बहुत बढ़िया. नहीं, ये टीम एफर्ट है. अंगद ऑब्वियसली ठीक है, प्रोबब्ली विल बी द लीडर बट इट शुड ऑलवेज बी अ टीम एफर्ट. सो ग्रेट वर्क एवरीवन. काफी सही था, 15 मिनट में आपने इतना सब कर लिया, बहुत सही था. नेक्स्ट टीम. हाय एवरीवन, नेक्स्ट टीम इज आर शाह. तो हमने अप्रोक्स टाइम तो डिसाइड नहीं किया है बट ये एक नॉन डायलॉग ऐड होगी. इसमें हमने बैकग्राउंड में सिर्फ म्यूजिक रखा है और हम इसमें अलग अलग सीक्वेंसेस दिखाएंगे. हम अलग अलग मोशन पिक्चर्स को कनेक्ट करके एक सिंगल ऐड बनाएंगे. बेसिकली हमने ये डिसाइड किया है कि हम पूरे इंडिया को इंडियन रिलीजन, इंडियन रीजन, अलग अलग ज्योग्राफिक लोकेशन, कल्चर, एथनिसिटी, एज ग्रुप और जेंडर को कवर करते हुए हम एटलीस्ट 10 सीक्वेंसेस रखेंगे. और फॉर एग्जांपल इट विल स्टार्ट फ्रॉम अ बॉय जो कि गली में क्रिकेट खेल रहा है, उसको कहीं से चाह की स्मेल आती है या फिर पीछे से साउंड आता है, कोई चिल्लाता है चाह, तो वो भागता है, एक कप ऑफ चाय उठाता है एंड वो पास करता है किसी और को. फिर वो सीक्वेंस चेंज हो जाता है, फिर वही चाय एक अलग टाइप के कप में एक अलग टाइप के रिलीजन का पर्सन उठाता है. और इस तरीके से हमने डिसाइड किया है कि हम पूरे इंडिया को कवर करेंगे. उसमें हमने जो हमारी डिटेल्स हैं उन पे ज्यादा ध्यान दिया है. फॉर एग्जाम्पल एक चाय इज अ सोर्स ऑफ एनर्जी, फ्रेशनेस, सूदिंग, और हमने अपने पूरे एड को रिलेटिव रखने की कोशिश की है. तो हमारा एड तो काफी सिंपल है बट हमने इन सारी चीजों में बैकग्राउंड में बहुत फोकस किया है. फॉर एग्जाम्पल हम जो म्यूजिक रखेंगे वो लोकेशन टू लोकेशन उस कल्चर के अकॉर्डिंग चेंज होगा बट स्टिल इट विल हैव अ बेस टोन ऑफ अपबीट म्यूजिक ताकि लगे इट्स एनर्जेटिक. हम कोशिश करेंगे कि हम जितने भी बैकग्राउंड लें वो फ्रेशनेस से रिलेटेड हो, वो सूदिंग से रिलेटेड हो और मोस्ट ऑफ द लोग उससे रिलेट कर पाए. आज हमने काफी सारे रिलीजन्स को कवर कर लिया है, कल्चर्स को कवर कर लिया है और हमने काफी सारे ज्योग्राफिक एरियाज को भी कवर कर लिया है. हमने
लोगों का अर्बन और रूरल एरियाज भी कवर किए हैं, तो हर टाइप का इंसान उससे रिलेट कर पाएगा. फॉर एग्जांपल हमने एक हाई ऑफिस हाई टॉप बिल्डिंग में सीईओ को भी कवर किया है और एक बहुत ही रूरल बेस में बहुत ही ओल्ड मैन को भी कवर किया है. ओवर टू यू काशिश. ओके थैंक यू जिया. और तो पूरा सीक्वेंस कुछ इसी तरह चलेगा जैसे अभी हमें जिया ने बताया, और एंड में हम पूरा इंडिया का मैप ऐसे दिखाएंगे और उस मैप के बीच में हमारी टी का लोगो होगा. और जैसे आप सबने ज्योग्राफी के बुक्स में देखा होगा कि एयरप्लेन्स और वो सारी रूट्स की जो लाइनें ज्वाइन कर रही होती हैं अलग अलग स्टेट्स को, इसी तरह हमारी जो टी का लोगो होगा वो भी हर स्टेट से कनेक्ट कर रहा होगा, जिससे कि हम ये रिप्रेजेंट कर पाएंगे कि हमारी जो टी ब्रांड है चाह, वो हर दिल की चाह है और पूरे इंडिया के लोग इसे पसंद करते हैं और इसमें सूदिंग और एनर्जेटिक और फ्रेशनेस ढूंढते हैं और उन्हें ये चीजें मिलती भी है. और इंडिया से अगर बाहर से भी हमने एक सीक्वेंस कुछ ऐसा भी प्लान किया था कि एक फॉरेनर है और वो लोग काफी ऐसे ट्रेडिशनल टाइप ढूंढने इंडिया में आते हैं, तो वो एक फॉरेनर होगा, वो जो कुल्हड़ वाली चाय होती है वो उसमें हमारी चाय पी रहा होगा और वो भी काफी खुश हो जाएगा चाय पी के. और हाँ एंड में वही मैप वाला एंड बीच में लोगो वाला थिंग. या सो दैट्स ऑल, थैंक यू. बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, मजा आ गया. मैं आप लोग दोनों जब बोल रहे थे ना, मैं यहाँ पे विजुलाइज कर पा रहा था एक एक चीज, राइट. सो This is the power of storytelling. It's about, can you, without showing me, can you help me visualize it? That, right? So you have, you know, the two teams have done a fantastic job. Ab baki do teams pe thoda sa pressure hai visualization pe. Bhushan, aapki team se kaun bolne wala hai? Me. Yes, Anjali. So our ad starts with a boy is sitting on the window. This is lockdown period. And he's watching outside and there are no cars and he's missing his days out and he's feeling lazy and bored. And then his mother comes and asks him what happens, and he tells about how he's missing the days he went out and how lockdown has ruined all that. And then she goes into the kitchen and makes Aziz Harbatu, and then he drinks and he feels better. Even during the lockdown he gets the energy. And he, this lifts his mood. And then they both say the name, Tazeez Zadbatu. Tazeez se ho jao taza taza. So actually, Bhushan has also created one idea of his own. So I will like him to dictate that also. Yes, Bhushan. Sir, may I do screen sharing? Yes, please. लेकिन भूषण से जॉइन पार्ट द मिथ, जब बच्चे अपने आप स्क्रीन शेयर और सामने इन पर्सन आकर प्रेजेंट करते हैं, नाउ वी अंडरस्टैंड बॉडी लैंग्वेज कितना इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रही है. जब आई थिंक जिया ने आकर एक्सप्लेन किया, शी ओपेंड हर कैम. And that means we are now able to relate her more emotionally, because we are able to see her body language, her smile when she was trying to express. But हमारे पास visualization के लिए हमें effort कम लगाना पड़ा. An amazing job. Yes, Bhushan. So, sir, the story starts with the airplane crashing down. Okay. Sir, hello. Yes, Bhushan, I can hear you. Yes, sir. The story starts when the airplane is crashing, and people are afraid of being dying. Then, sir, at the moment, wait, sir. आपने बहुत सारी ड्राइंग्स कर ली क्या एक साथ? Yes. बहुत मेहनत करी है आपने. अरे भाई. Incredible. Yes, Bhushan. Bhushan, you too. हाँ. Yes, sir. I wrote. सर मैंने सबके लिखा हुआ है इसमें. हाँ बोलो बोलो. भूषण आप अच्छा, भूषण मैं हैरान हूँ कि आपने इतनी सारी इमेजेस बना ली.
मैं तो एक नहीं बना पाऊं यार. वाओ. ओके दिस एड इज एक्चुअली ऑटोमेटिकली रनिंग इन माय हेड नाउ. बाकी लोग पता क्या बोल रहे थे कि भूषण कुछ अलग बना रहा है और भूषण इतना सा बना रहा था मुझे भी नहीं पता था. हाँ ठीक है भूषण दिख रहा है. ओके बिस्तर पे है फिर टीवी देख रहा है. ऑन ड्यूटी यस. रुको मैं एक काम करता हूँ उसको स्पीक. भूषण माइक ऑन कर लोगे तो आपका सेंटर में आ जाएगा. आई थिंक इट्स मोर इजी. यस उसके बाद अजीज हरबातू. अरे सुपरमैन बना दिया. बहुत ही बढ़िया. अमित सर आई हैव अ रिक्वेस्ट. हाँ जी. ये एक बारी भूषण वाली स्टोरी लाइन एक बारी दोबारा रिकैप कीजिएगा. मैं वो वीडियो दिखाए या मैं बताऊं या नहीं. इफ भूषण कैन क्विकली रिकैप द स्टोरी आल्सो एक बारी. भूषण आप सुना दो. हमने देख ली अब तुम सुना दो. हाँ. सो दैट हम एक बारी इमेजिन कर लें पूरा साथ में. हाँ So the scene starts when the airplane is crashing and all the people are afraid of dying. And at the same moment, the superhero, which is just awake, which just woke up, yawns. Then at the moment, he turns on the television and sees the crashing airplane. So he started getting ready. He took off his cape and then he drinks the tea. And in the tea package, here comes our brand. When he takes a sip of the tea, wait a minute. Go back to me. Bhushan is so excited. I feel इसने ताजी हरबातू पी लिया है. I agree with you. Yes, sir. So when just he takes a sip of the tea, he suddenly wakes up completely and straight. And he dashed straight to the airplane. At reaching the airplane, he went past of it and saved all the people. And at the end of the scene, all the people are thanking to the Tazi Harbatu. Wow. Wow. बहुत बढ़िया. Clap बनती है भाई. सब लोग clap कर रहे हैं. सब लोग कह रहे हैं भूषण it's wonderful. Comment जा रहे हैं. Thank you, sir. क्रिएटिविटी अलग लेवल पे है यहाँ. शिशिर आसमान में. हाँ आसमान में एक्चुअली. हाँ चाय बनवा लेनी चाहिए अब तो. मुझे लग रहा है मुझे जरूरत है इस चाय लिटरली. और इनको आप ग्रुप में जरूर शेयर करना भूषण प्लीज. ये इमेज बिल्कुल शेयर करना. फोटो खींच के ये बिल्कुल शेयर करना बनता है. ठीक है. आप नेक्स्ट टीम. ये लेवल ना ऐसे से ऊपर होता जा रहा है. राइट. अब तो सौम्या चैलेंज किया अंडर प्रेशर का. देखो आसमान में तो पहुंच गया है लेवल. ठीक है अब देखो इसमें कब जाएगा. अंडर प्रेशर में ये परफॉर्मेंस है तो सोचो वैसे क्या परफॉर्मेंस होगा. ये देखो एक और इमेज. यस ओके स्क्रीन शेयर कोई कर रहा था. सो हेलो एवरीवन दिस इज मी खुशी हियर एंड दिस इज आर टी वंडर जो कि फोर्थ ग्रुप की टीम का चाय का एडवर्टाइजमेंट है टी वंडर. तो जैसा हमारा लोगो है टैगलाइन है टी वंडर आपके लिए सरप्राइज है वाह वाह क्या चाय है. तो उसी के ध्यान में रखते हुए मैंने ये एडवर्टाइजमेंट बनाया है कि इसमें एक गर्ल है which is in stress due to lockdown and this is coronavirus.
तो वन डे जब वो वेकअप होती है तो उसको बहुत ज्यादा स्ट्रेस होता है इस बात को लेकर ऑफिस बंद है, लॉकडाउन है, बहुत ज्यादा ये चीजें हो रही है. तो उसके लिए जब वो हमारी चाय का सिप लेती है टी वंडर, तो उससे उसके सारा स्ट्रेस जो है वो दूर हो जाता है और जिससे उसके लिए एक वंडरफुल सरप्राइज है उसके लिए कि वाह इस टी की वजह से उसका सारा स्ट्रेस जो है वो दूर हो गया है. तो हमने इसी को देखते हुए इस चीज का एडवर्टाइजमेंट किया है और मेरी टीम में विधि भी थी, तो मैं विधि को वह करूंगी कि आगे वो आपको इसके बारे में एक्सप्लेन करेगी. ओके, सो मैंने भी वैसे एक एडवर्टीजमेंट विदड्रॉ की है, बट फर्स्ट आई वांट टू एक्सप्लेन दिस वन. जैसे कि हमारी टी का नाम है टी वंडर. सो व्हेन मतलब जब हम सुबह उठते हैं तो हम थोड़ा सबसे पहले अगर डे की शुरुआत अच्छी हो तो हमारा पूरा दिन बहुत अच्छा जाता है. जैसे कि हम सभी कहते हैं तो टी वंडर मतलब सुबह सुबह वंडरफुल हो जाओगे टी पीकर, टी वंडर को पीकर, एंड देन योर होल डे विल बी वेरी गुड, फैंटास्टिक. और एक मैंने भी एडवर्टाइजमेंट नहीं है, मैं पहले उसे दिखाना चाहूंगी. शिशिर, इन लोगों को चाय की जरूरत नहीं है, ये लोग वैसे ही सुपर वुमेन, सुपर मैन है, सुपर 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 पीपल. आर यू एबल टू सी दिस सुपर हीरोज जस्टिस लीग? यस, आई थिंक ये सारे आइडियाज यहीं से आ रहे हैं अभी. यस, we can see that. Yes, okay. So in this a man is sitting on a chair and is maine is image maine thoda sa pattern matlab maine kya banaya hai is tarah se ek show karna chahti hu main. एक टी का पैकेट है ये टी वेंडर का और उसके अंदर एक इमेज है, वही उसके मतलब टी पैकेट के ऊपर एक इमेज बनी हुई है जिसके ऊपर एक मैन बैठा है जो दिखा रहा है मतलब वो टी वेंडर उसने टेस्ट की एंड देन वो बिल्कुल मतलब एक विजुअलाइजेशन एक इमेजिनेशन में चला गया कि मतलब बहुत हैप्पी फील कर रहा है. जैसे मैंने थोड़े म्यूजिक के साइन बना रखे मीन्स वो अपनी इमेजिनेशन में फुल क्रिएटिव थिंकिंग में चला गया सुबह सुबह मतलब इतनी फ्रेशनेस उसे फील हुई स्टी वेंडर के पैकेट स्टी वेंडर को पीकर. तो ये मैंने इसमें शो करना चाहे. बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया. मैं एक्चुअली बहुत खुश हूँ, मतलब मेरी स्माइल आई थिंक इतनी बड़ी होनी चाहिए. वो मैं ड्रॉ भी नहीं कर सकता हूँ आप लोगों की तरह, तो मैं छोड़ देता हूँ. बट आई एम वेरी वेरी हैप्पी. वो देखो तीसरी चाय पे आ गई है सौम्या जी. सौम्य मैम, चाय पे चाय पिए जा रही है, तुम लोग इतना मोटिवेट कर रहे हो. आई थिंक चाय की डिस्कशन इसके बाद नहीं करेंगे, किसी और सेशन में. लेट्स नॉट डिस्कस टी एनी मोर. हाँ, सो शिशिर सर, आपकी पेंसिल की स्टोरी बाकी है, लेकिन इससे पहले सौम्या मैम, वंदना मैम और अंकिता मैम, आपके कोई फीडबैक इन स्टोरीज पे? आपने चारों एड्स सुन लिए. आई थिंक आई एम सुपर डुपर व्हाटएवर इम्प्रेस्ड. सौम्या, डू यू वांट टू गो फर्स्ट? और आई थिंक यू मे बी यू कैन फिनिश योर टी, तब तक मैं अपना बता देती हूँ. देन मे बी वंदना मैम आल्सो जॉइंड राइट व्हेन वी वर इन द ब्रेकआउट रूम. बट जैसा आप बोल रहे थे अमित, आई कुडंट स्टॉप स्माइलिंग. मतलब मैं एक्चुअली हंस रही थी, मेरा माइक पूरा बंद था. बट इतनी अच्छी क्रिएटिविटी, मतलब मैं सारे एड एक्चुअली इमेजिन पूरे विजुअलाइज कर लिए दिमाग में कि हर एड में क्या हो रहा है. मतलब आई थिंक इसमें से एक चूज करना विल बी एक्सट्रीमली अनफेयर. तो मैं तो नहीं कर रही एक चूज, बट आई थिंक मेरा जस्ट ये फीडबैक है कि इतना क्रिएटिविटी हम लोग को तो स्कूल में अगर बोल देते ऐसे एड बनाने को, आई डोंट थिंक हम इतना, मैं तो कभी इतना सोच पाती. सो आई एम लाइक, और आई थिंक जैसे अभी थोड़े दिनों पहले एक सेशन में शेयर स्क्रीन करना था तो सब बच्चे कितना स्ट्रगल कर रहे थे, बट आज का सेशन एक्चुअली लग रहा है कि लास्ट सेशन है वेर एवरीबडी स्पीकिंग अप, शेयर स्क्रीन कर रहे हैं एंड लाइक इतनी क्रिएटिविटी. और लग रहा है कि सारे पीछे टॉपिक्स जो कवर हुए हैं उनको एक्चुअली यूज कर रहे हैं नोइंगली अनोइंगली. सो आई थिंक लाइक वेरी वेरी हैप्पी, वेरी हैप्पी. या थैंक यू अंकिता जी. चाय प्रेमी आपकी बारी है. सो आई कंप्लीटली अग्री विद अंकिता. अंकिता, आई वाज डेलिबरेटली थिंकिंग कि आप पहले बोल दो,
सो दैट इफ यू पिक एंड एड मुझको पता चले कि मैं पिक क्या करूं इन सब चीजों में. सो आई वाज एक्चुअली होपिंग कि मैं बोल दूंगी अंकिता पहले मैं पहले गई थी अब आप चले जाइए सो दैट दिस टाइम आई टेक योर लीड बट आई विल कैन आई ऑल्सो गिव अ कपल ऑफ फीडबैक पॉइंट्स. यस प्लीज. या ओके सो इन टर्म्स ऑफ पिकिंग वन बेस्ट एड सवाल ही नहीं उठता. इट्स लाइक कंपेयरिंग एप्पल्स एंड ऑरेंजेस. इट्स लाइक किसी ने एक अच्छा केक बनाया है चॉकलेट वाला, किसी ने एक अच्छा केक बनाया है पाइनएप्पल वाला. अब जिसको चॉकलेट पसंद है उसको चॉकलेट पसंद आएगी, जिसको पाइनएप्पल पसंद है पाइनएप्पल पसंद आएगा. लेकिन अपनी कैटेगरी में चॉकलेट वाला केक भी बहुत अच्छा बना है और पाइनएप्पल वाला केक भी बहुत अच्छा बना है. सो डू आई मेक सेंस थोड़ा थोड़ा कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ? वी लव ऑल द केक्स. हाँ सो यस यस वी लव ऑल द केक्स. एंड मेरी चाय खत्म हो गई है. So now I can talk, but feedback I want to give on the fact that yes, technically आप लोग बहुत अच्छा equip हो गए हैं. तो आप लोग अपनी visualization हमें दिखाने के लिए tools use कर रहे हैं, and this is going next level professionally. ऐसे ही करते हैं हम लोग भी tools ढूंढते रहते हैं कि ये ख्याल तो मेरे दिमाग में है ना, इस ख्याल को मैं कैसे communicate करूँ सामने वाले के सामने. So हम लोग tools ढूंढते हैं, references ढूंढते हैं. आपने अपने हाथ से draw किया, स्क्रीन शेयरिंग यूज करी, सो बिग थम्स अप फॉर दैट. और छोटा सा क्रिटिकल फीडबैक, हमने शायद टीम वर्क उतना अच्छा नहीं किया जितना हमें करना चाहिए था. और पता है ये होता है जब हम बहुत क्रिएटिव होते हैं ना, हमें लगता है यार ये तो मेरा आइडिया है. हम ये नहीं सोचते कि अगर मेरा आइडिया हमारा आइडिया बन जाए तो उसमें कितने और लोगों का साथ आ जाता है. एक कोटेशन है जो कहती है कि अकेले निकलोगे तो शायद जल्दी आगे निकल जाओगे लेकिन लंबा नहीं जा पाओगे. अगर साथ लेके लोगों को निकलोगे तो लंबा जाओगे. हो सकता है थोड़ा स्लो स्टार्ट करो लेकिन यू विल बी एबल टू वॉक फार अहेड. तो टीम वर्क में आपको थोड़ा सा ज्यादा एफर्ट डालना पड़ेगा. एंड द थर्ड पॉइंट, लास्ट पॉइंट इज दैट आपने बहुत अच्छा कहानी बनाई लेकिन उसका कम्युनिकेशन और इफेक्टिव हो सकता है. पॉइंट्स में सोचो, लॉजिक में सोचो. सर ये मेरा थीम है, पहले फ्रेम में ये, फिर ये होगा, फिर ये होगा, फिर ये होगा, और ये सारा साथ में जब आएगा तो ये होगा. तो एक फ्लो में सोचना. भूषण के फ्रेम्स बहुत अच्छे थे बट जब उसने कहानी अपने मुंह से बताई फर्क पड़ा ना, तब पता चला कि एग्जैक्टली अच्छा इस फ्रेम का मतलब ये है, इस फ्रेम का मतलब ये है. तो कम्युनिकेशन की पावर को तो अंडरमाइन कभी मत करना, ठीक है? मतलब मेरी तो रोजी रोटी कम्युनिकेशन पे चलती है. बट दीज वर थ्री क्विक फीडबैक्स. ग्रेट क्रिएटिविटी, great tool usage, technical tool usage, slightly more teamwork is needed, और skilling को अपने को polishing करना है, communication के logic और flow को अपने को polish करना है. So Amit and Shishir sir, this was my feedback. Thank you so much. Thank you. Vanda ma'am, आप का कोई feedback? आपने बीच में join किया था, but love to know your. Yeah, so a big round and loud round of applause for all the team. They have done wonderful job. As we say, that we notice their creativity. It has taken us to the sky. What else we can ask for? And like Soumya also pointed and Ankita also pointed out, that you see a gradual shift in the way these students are performing, be it collaboration, teamwork, communication. एक ब्रेकआउट सेशन मैंने ज्वाइन किया था थोड़ी देर के लिए, तो उसमें थोड़ा सा मुझे लगा कि कम्युनिकेशन इतना इफेक्टिव नहीं था, तो इसलिए थोड़ा समय जो है वो इतना अच्छी तरह से वो यूटिलाइज नहीं कर पाए. बट दे डिड देयर बेस्ट, यू नो, लाइक इफ देयर इज अ टाइम कॉन्स्टेंट, कोई टास्क दिया गया है जिसमें टाइम कॉन्स्टेंट है उसको ध्यान में रखते हुए दे डिड. एंड ऑफ कोर्स देयर इज अ रूम फॉर स्कोप फॉर इम्प्रूवमेंट, बट आई एम अमेज्ड the way they express their ideas, whoever got the opportunity to speak, and the way they, you know, describe. So jo hum padhate hain to hum kehte hain that we learner, they're a kinesthetic learner. So jo hamara lesson plan hai ya teaching hai usme sab ye sab included hona chahiye. I'm amazed to see ki ye bachche bhi unko include kar rahe hain, auditory, visual, whichever way they can, you know, express themselves. So a very wonderful work. I'm impressed. Thank you so much. Right, तो बच्चों आपने देख लिया सब लोग impressed हैं. I think over impressed हैं. जो दो तीन points सोमे मैम ने कहे वो I think सबने observe किया हुआ, आप लोगों ने भी. देखो intelligent होना अच्छी बात है और आप सब लोग intelligent हो.
लेकिन जो पहला पॉइंट था ना, इमोशनल कनेक्ट तब आएगा जब आपस में बात करोगे. इंटेलिजेंट कनेक्ट तभी आएगा जब आपस में बात करोगे. सर तो बात करेंगे तभी तो बात बनेगी. मुझे बोलने तो बोलना पड़ेगा. नहीं, मैं बोलने वाला था. अब आपकी टैगलाइन तो मैं चुरा नहीं सकता हूँ, आईपी पेटेंटेड. सो शिशिर सर, आई थिंक काफी बच्चों ने काफी इन्वेस्ट कर लिया टाइम. आप जल्दी से अपनी स्टोरी सुनाइए और मेरे को एक अनाउंसमेंट करनी है एंड देन वी विल क्लोज इट. ओके, सो कांग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ यू. बहुत ही बेहतरीन काम किया आप सबने. और सबसे अमेजिंग बात पता है क्या लगी मुझे? आपने जो सौम्य ने सही कहा, वी कैन नॉट कंपेयर एप्पल टू ऑरेंजेस. लेकिन मैं आपके एप्पल्स के अंदर का कनेक्शन बताता हूँ. आपने जो पहले कॉन्सेप्ट में कनेक्ट किया था, टैगलाइन क्रिएट करी थी, आपने जिस इमोशनल पॉइंट को वहां पे हिट किया, उसी इमोशनल पॉइंट पे आप लोगों ने अपना एड बनाया. दैट वाज द मोस्ट अमेजिंग कंसिस्टेंसी फॉर मी. द साइंस वाज कंप्लीट क्योंकि आप इमोशनल कनेक्ट कर पाए. भूषण की चाय इतनी बढ़िया थी और उन्होंने सुपर हीरो टाइप का नाम रखा था, तो ही गॉट इट डन इन दैट वे. मगर सौम्य का पॉइंट बहुत सही था. अगर मैं होता आपकी जगह तो मैं शायद आखिरी में एक लाइन जरूर एंड करता, ताजीब हर बात तू चाहे, हर प्रॉब्लम को सॉल्व कर दे. मतलब ऐसा कुछ ताकि आपका कम्युनिकेशन कंप्लीट हो सके. तो शायद आपके बोलने का जो एंडिंग है पिचिंग की, वो भी उतनी ही बैलेंस और उतनी परफेक्ट होती जितनी आपकी इमोशनल कनेक्ट हुआ पहले, फिर इंटेलिजेंट कनेक्ट हुआ, फिर स्टोरी टेलिंग हुई. बट स्टोरी टेलिंग का एंड आपने जो मांगना था वो मांग ही नहीं पाए. तो आप ऐसा कुछ एंड करेंगे अगर नेक्स्ट एड में लाइंस कि ताजी हर बात चाय, हर सुबह एक चाय आप सबकी परेशानी भुला दे या प्रॉब्लम सॉल्व कर दे, तो मैसेज कंप्लीट हो जाएगा. सेम इज विद जीआर की टीम. उनका अपना एक बहुत ही सूदिंग सा एक थॉट प्रोसेस था जिसमें वो अपनी टैगलाइन को एंड कर सकते थे, हर दिल की चाह सॉर्ट ऑफ, जो उन्होंने विजुअलाइजेशन करके दिखाया. तीसरी टीम आई थिंक कशिश की टीम थी, नहीं मानसी की टीम थी आई थिंक, जिन्होंने डिस्प्ले किया था हमें एट. उस टीम ने टी वंडर ने कनेक्ट किया अपने थॉट प्रोसेस से. सो इमोशनल कनेक्ट, इंटेलिजेंट कनेक्ट, और सबसे पहले जिन्होंने पिच किया था उन्होंने अपने इमोशनल कनेक्ट से अपने प्रोडक्ट को कनेक्ट कर पाए. दैट इज द बेस्ट पार्ट. सो योर पिच अलाइंड ऑन दोज थॉट्स. अ बिग कांग्रेचुलेशंस ऑन दैट. यू कनेक्टेड ऑन इमोशंस, यू कनेक्टेड ऑन इंटेलिजेंस, यू क्रिएटेड लिटिल बिट ऑफ स्टोरी. बट यस, कुछ फिनेस की जरूरत है, कुछ अटेम्प्ट्स की जरूरत है, कुछ ट्रायल्स की जरूरत है, ताकि हम कम्युनिकेशन को यूटिलाइज करके एक परफेक्ट पिच दे दें. बट लेट्स गिव अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर एवरीवन, बिकॉज ये हमारी एक्सपेक्टेशन से कहीं ज्यादा अच्छा था. और शायद बहुत बड़े लोग भी 15 मिनट के अंदर इससे बेहतर काम नहीं कर पाते जो आप लोगों ने. सबके लिए क्लैप, एवरीबॉडी कैन क्लैप फॉर देमसेल्फ. तो कमिंग बैक टू स्टोरी, छोटी सी स्टोरी है, बहुत लोगों ने सुनी होगी, मगर मैं स्टोरी को थोड़ा स्टोरी टेलिंग का मसाला यूज करके चेंज कर देता हूँ ताकि आसान होगा. तो एक बार अमित ने बोला था ना कि पेंसिल बेच के दिखाओ सॉर्ट ऑफ, तो मैंने वहां से कनेक्ट किया. तो एक बार कंपटीशन में चैलेंज हो गया कि भाई साइंटिस्ट कहाँ के बढ़िया हैं, वी नीड टू सॉल्व अ बिग प्रॉब्लम. तो आई थिंक यहाँ पे साइंस के भी स्टूडेंट होंगे काफी. सिर्फ अर्थ के एटमोस्फेयर के अंदर ही यूटिलाइज कर सकते हो, बिकॉज एटमोस्फेरिक प्रेशर वर्क करके पेन की इंक को रोके रहता है स्पिल आउट होने से. तो प्रॉब्लम ये आई कि यार स्पेस में जो हमारे एस्ट्रोनॉट जाते हैं वो लिखेंगे कैसे, क्योंकि वहां पे तो जैसे ही आप पेन खोलोगे एटमॉस्फेरिक प्रेशर है ही नहीं, तो रिफिल से इंक निकल जाएगी और पेन लिख नहीं पाएगा. तो पेन वाली साइड हो गई, लोगों ने बहुत पैसा लगाया कि यूएस साइड थी, उन्होंने उनको अपने साइंटिस्ट और रिसर्च पे बहुत भरोसा था. सो दे स्पेंट बिग लोड ऑफ मनी, ऑलमोस्ट $4 million पर स्पेंट, एंड फाइनली उन्होंने एक बहुत ही खूबसूरत सा पेन क्रिएट किया. और उस पेन की खासियत क्या थी कि वो पेन स्पेस में भी लिख सकता था, पानी के अंदर भी लिख सकता था, पेपर पे नॉर्मल भी लिख सकता था. तो गिवन एनी सिचुएशन उस पेन से आप लिख सकते थे विदाउट स्पेल. अच्छा, खुशी ने बोला है साइंस स्ट्रीम स्टूडेंट है, बट ये क्वेश्चन का आंसर अब मैंने दे दिया खुशी, है ना. तो अब हम कहानी पे फोकस करते हैं. तो दूसरी साइड, उस वक्त रशियन टीम बहुत स्ट्रांग थी, उन्होंने
कुछ भी पैसा खर्चा नहीं किया, मजे से पूरे दिन कॉम्पिटिशन के आराम किया, और एंड में जब फाइनल कॉम्पिटिशन के टेबल पे पहुंचे तो उन्होंने क्या बोला, सर फॉर दिस वी विल यूज पेंसिल, क्योंकि जो काम पेन नहीं कर सकता है वो काम पेंसिल कर सकती है यहाँ. सो इट कैन राइट ऑन एनी डैम सिचुएशन विदाउट द वरी ऑफ कि वो स्पेस में है कि नहीं स्पेस. तो कई बार हमारी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन हमारे हाथ में होता है और हम कॉम्प्लिकेटेड तरीके भी ढूंढते हैं, लेकिन माइंड का काम क्या है और इंटेलिजेंस का काम क्या है, सिंप्लीफाइड तरीके से अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करो और ऐसा सोल्यूशन दो जो परसिस्टेंट हो, कंसिस्टेंट हो और इकोनॉमिकल हो, है ना. पेंसिल तो सभी खरीद सकते हैं, कहीं पे भी ले जा रहे हो तो लिख भी सकते हैं. सो आई होप आई एम एबल टू मेक माई पॉइंट क्लियर टू यू एवरीवन. यस नो यस 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 सर यस. अंजलि से शी हैज हर्ड द स्टोरी. ध्रुव ऑल्सो सेड यस, ये मूवी की स्टोरी है, मूवी ने भी कहीं से उठाकर इंस्पायर होकर सुनाई थी. ये बहुत पुरानी स्टोरी है जब से पहला पेन बना था, एंड दिस इज अ वंडरफुल लेसन फॉर अस टू अंडरस्टैंड, है ना. सो लेट्स कीप अप द गुड वर्क एंड नाउ अमित सर एक अनाउंसमेंट करेंगे और उसके बाद विल एंड दिस सेशन. थैंक यू वेरी मच फ्रॉम माय साइड फ्रॉम पार्टिसिपेटिंग एंड एज यूजुअल इट गोज विदाउट सेइंग, कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी क्लैरिफिकेशन हो, आप लोग ग्रुप में रेज कर सकते हैं. यस भूषण, यू हैव एनी क्वेश्चन? यस सर. हां जी पूछो. सर वो एक मूवी बनी थी उसपे थ्री इडियट्स वाली, तो सर उसमें बताया तो गया था कि मतलब पेंसिल को यूज नहीं करते स्पेस में, उसके लिए ही पेन बना था वो 4.5 या ऐसा कुछ करोड़. एग्जैक्टली वो स्टोरी यही थी कि इतना इतना मेहनत करके उन्होंने पेन बनाया था, जबकि दे कुड हैव यूज्ड पेंसिल. बट एंड में बताया स्टोरी बहुत प्रोमिनेंट हुई थी मूवी में, स्टोरी को बहुत अच्छा यूज. पेंसिल का अगर वो निब टूट जाता है राइट, तो किसी के आंख पे लग सकता है, वो लॉजिक दिया था प्रोफेसर. हां वो लॉजिक दिया था प्रोफेसर शास्त्र बुद्धि ने, राइट. बच्चे वो वही सब कह रहे हैं सर. ओके ओके हमें तो वोट देखो, कुछ स्टोरीज को स्टोरीज की तरह लेते हैं और कुछ स्टोरीज के पीछे लॉजिक लगाते हैं. अभी मुझे मैंने इस पे रिसर्च नहीं किया तो मुझे नहीं पता कि ये पेंसिल यूज कर सकते नहीं कर सकते. आई एम स्टिल टू गो टू स्पेस. भूषण की बनाई हुई चाय पी के शायद मैं चले जाऊँ नेक्स्ट टाइम, तो मैं बता दूंगा वापस आके कि पेंसिल यूज की थी कि पेन यूज किया था कि मैंने टाइप कर लिया था. अब तो जरूरत भी नहीं है, आई कैन जस्ट यू नो मोबाइल लेके गया था टाइप कर लिया था अगर मोबाइल चल जाए वहां पे. सो एक स्टोरी जल्दी से मेरे पास भी है, ये स्टार्टअप स्टोरी है जो मैं पहले सुनाना चाह रहा था. अमित आप जब स्टोरी एंड करना ना, तो एक रिक्वेस्ट है सब बच्चों से, आपकी स्टोरी के बाद लेट्स हैव एज मेनी पीपल एज कैन हु कैन ओपन देयर कैमरास एंड कम ऑनलाइन फॉर अस फॉर लास्ट 1 मिनट, सो दैट वी कैन हैव अ मेमोरी ऑफ ईच वन ऑफ अस. जो लोग जिन लोगों ने कैमरा ऑन करके इस सेशन में आए हैं, कंसीडरिंग दिस इज लास्ट सेशन, दिस वुड बी अ गुड एम टू गिव अ फेस ऑफ टू एवरीवन जिनके साथ हमने लास्ट 5 वीक्स इन सेशंस कर. ठीक है ठीक है. सो एवरीवन इफ यू कैन ओपन योर कैमरा फॉर दिस स्टोरी, इट्स हार्डली 35 सेकंड स्टोरी. जल्दी से सब लोग अपने 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 कैमरा ऑन कर लो. मैं एक्सप्रेशन देखना चाहता हूँ कि मैं स्टोरी सुनाते वक्त एक्सप्रेशन देखना चाहता हूँ कि अगर मैंने स्टोरी ढंग से सुनाई तो मैं एक्सप्रेशन आएंगे अच्छे, और अगर नहीं सुनाई तो फिर मैं स्टोरी नहीं सुनाऊंगा दोबारा से. ठीक है जल्दी 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 जल्दी, काफी लोग आ गए हैं. एक्सक्यूज मी सर. यस भूषण सर, आप कह रहे थे अभी कि ये लास्ट सेशन है. हाँ तो एक पिच मैं वो बताऊंगा, मैं बताऊंगा ये सेशन लास्ट है उसके बारे में बताऊंगा. ठीक है सो 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. ठीक है गुड. शिशिर इसकी फोटो ले लो, ये आपस में ये इन लोगों ने आपस में एक दूसरे को, बहुत लोगों को मैं पहली बार देख रहा हूँ. सो यू शुड टेक दिस पिक्चर. हाँ जी तो स्टोरी बहुत ही सिंपल सी है. सो ये मेरे एक इन्वेस्टर फ्रेंड ने सुनाई थी. वो यूके से इंडिया आया था, दिल्ली में गुड़गांव में रहता है वो भी. वो पहली बार आया था 6 साल पहले और मेट्रो में अपने बच्चों को लेके, संडे को ही मेट्रो में अपने 2 बच्चों को लेके जा रहा था कि चलो मेट्रो राइड करते हैं. लंदन में वहाँ पे जो ट्रेन्स है ना वो वैसी है, मेट्रो टाइप की है लेकिन वो बहुत पुरानी है. तो वो वहाँ एक्सपीरियंस लेने जा रहा था. सो जैसे वहाँ बैठे हुए थे 2 बच्चों के साथ, उनके सामने एक बंदा खड़ा था जिसने टी शर्ट पहन रखी थी और टी शर्ट पर लिखा था शिप्सी, SHIPSY शिप्सी. अब बच्चे ने पूछ लिया कि मेट्रो में शिप क्या कर रही है, राइट. 5 साल का बच्चा, उसने पूछ लिया.
तो उस लड़के ने जो जिसने टी शर्ट पहन रखी थी उसने बताया कि शिप्सी जो है एक लॉजिस्टिक्स कंपनी है, हम सामान को एक जगह से दूसरी जगह पे लेके जाते हैं, शिप करते हैं, इसलिए हमने अपना नाम शिप्सी रखा है। और बड़े प्यार से बच्चे की लैंग्वेज है बच्चे को समझाया, साथ में बैठे थे बच्चे के फादर, उन्होंने भी स्टोरी सुनी, उन्होंने निकाला अपना कार्ड किया कल मुझे मिलने आना 3 बजे, एंड दिस इज अ ट्रू स्टोरी। अगले दिन उनको 75 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट मिल गया था बिकॉज दे मेड इट सो सिंपल फॉर अ किड टू अंडरस्टैंड दैट। सो दिस इज द पावर ऑफ स्टोरी टेलिंग। एज आई सेड यू शुड बी ऑलवेज रेडी विद योर स्टोरी, यू नेवर नो कौन कहाँ मिल जाए, एक चेकबुक लेके बैठा हुआ है, या हो सकता है आपको नौकरी चाहिए और आप जो आपके जैसा कोई ढूंढ रहा है आप वहां उनके साथ में थे, नेक्स्ट बगल में सीट में मेट्रो में बैठे थे और आपने सही तरीके से अपने आप को पेश कर दिया, यू नो समबडी गॉट इम्प्रेस्ड, यू गॉट द जॉब, यू नो यू गॉट एन अपॉर्चुनिटी। सो इट्स ऑल अबाउट कम्युनिकेशन, इट्स ऑल अबाउट यू नो थिंकिंग ऑन योर फीट, एंड इट्स ऑलवेज अबाउट यू नो पिचिंग इट राइट। ठीक है, सो ये होगी पिच की कहानी। अब सेशन था ये आखिरी, राइट? सो आप सबको वीडियो थैंक यू अगेन। आई थिंक पहले तो थम्स अप ऑल ऑफ यू टू शोइंग यू नो योर ब्यूटीफुल फेसेस, स्माइलिंग फेसेस। संडे आजकल हम संडे आज अच्छा बीत गया मेरा। हम लोग किड्सप्रेन्योर एक अवार्ड्स लॉन्च कर रहे हैं, द आइडिया ऑफ यू नो गोइंग गेटिंग यू ऑल दीज 5 सेशंस व्हाट दैट ऑल ऑफ यू कैन, वी हैव ऑलरेडी सबमिटेड अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स, इफ यू वांट टू पिक अप दोस प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स एंड क्रिएट अ सॉल्यूशन। जो मैंने प्रेजेंटेशन है मैं प्रेजेंटेशन भेजूंगा, ये 5 स्टेप्स फॉर्मेट में आप अपना एक पिच तैयार कीजिए एंड इसी तरह आपको पिच करना है। यू कैन सबमिट इट यूजिंग अ वीडियो, यू नो टॉक अबाउट योर पिच, टॉक अबाउट योर आइडिया, प्रॉब्लम स्टेटमेंट। पूरा फ्लो मैं शेयर कर दूंगा ग्रुप्स में, बट सिंपल आइडिया कि आप इसमें पिच करें एंड देन अगर आपका आइडिया पसंद आता है वी विल नॉट ओनली मेंटर यू टेक दैट टू द नेक्स्ट लेवल, ओवर अ पीरियड टाइम यू विल ऑल्सो गेट इन्वेस्टमेंट्स बाय अस यू नो टू मेक इट लाइव। वो सिर्फ आइडिया नहीं रह जाएगा, उस आइडिया का एक प्रोजेक्ट बनेगा एंड वी विल हेल्प यू टेक इट टू द मार्केट, यू नो टेक इट टू द पीपल। वो कोई भी आइडिया, बहुत सारे आइडियाज थे, बहुत सही सही आइडियाज थे। सो बस ये this is the last thing which I wanted to say. We will, if you all want, we will do a pitch practice session next week, probably next Sunday if everybody has time. And then isko August, sometime August we will you know do the finale. So आप अपने submission वहाँ कर सकते हो, लेकिन we will do a pitch perfect session again if everybody has the time. Sushir, yes. एक चीज और मैं add करना चाहूँगा, हमने session के शुरुआत में 45 सेकंड का एक वीडियो बनाने के लिए आपको बोला था और अब हम आपको एक रिक्वेस्ट और करेंगे, 45 सेकंड का एक वीडियो और बनाइए और बताइए आपने जो सीखा है चारों पांचों सेशन में अलग अलग टॉपिक में, बट चैलेंज है कि 45 मिनट से एक मिनट के बीच में आपने बोला, और हम देखेंगे एक कंपैरेटिव बनाएंगे कि जिन्होंने शुरू में वीडियो भेजा था और अब जो वीडियो एक्सप्लेन कर रहे हैं उसमें क्या अंतर है, क्या इम्प्रूवमेंट है, बॉडी लैंग्वेज है, पिछली बार स्माइल नहीं किया था इस बार स्माइल किया। सो वी विल टेल यू एंड वी विल गिव यू अ मेमोरी ऑफ दिस वीडियो पैक जो आप अपने जगह पे यूज कर सकते, ठीक है? सो 45 to 60 seconds ऑफ वीडियो जो भी आपने इन 5 सेशंस में सीखा या वीडियो से सीखा हमारे साथ, और दैट गोज विदाउट सेइंग कि ये सेशन एंड हुआ है हमारा रिलेशनशिप नहीं, तो आप लोग हमारे साथ अभी भी कनेक्टेड हैं, कोई भी क्वेश्चन क्लैरिफिकेशन लेना है तो यू कैन ऑलवेज कॉन्टेक्ट अस। हम लोगों के पास मतलब हम दोनों तो हैं ही, यू नो देयर इज अ लार्जर टीम व्हिच कीप्स सपोर्टिंग अस, सो इफ यू हैव आइडियाज, यू वांट टू वैलिडेट एनीथिंग, यू नो आपके कोई भी सवाल है, स्पेस वाला जो क्वेश्चन था जब तक मैं चाय नहीं पीऊंगा मैं नहीं जाने वाला हूँ, आई विल नॉट टॉक अबाउट दैट। उसके अलावा कोई भी ऐसा चीज जो करियर के बारे में यू नो यू वांट टू लुक एट अ करियर ऑप्शन, यू आर नॉट टू श्योर, सो फील फ्री टू रीच आउट, वी विल फिगर आउट इफ वी कैन कनेक्ट यू विद समबडी राइट हु इज गोइंग थ्रू द सेम हु इज परसुइंग द सेम करियर। एंड हम लोग किड्स लाइव करके एक इंटरव्यू करते हैं ट्यूजडे थर्सडे और सैटरडे को 5:30 बजे, वेयर वी ट्राई टू कॉल वेरी इंटरेस्टिंग पीपल हु आर डूइंग अमेजिंग जॉब। उसमें एक PhD है जो भाभा एटॉमिक सेंटर में काम करती थी, अब वो ट्रैवल में, राइट? शी एक्चुअली लेफ्ट हर जॉब टू परस्यू ट्रैवल एंड वाइल्ड लाइफ। सो बहुत सही सही लोग आते हैं, फॉरेनर्स बहुत सारे आए हैं,
थैंक्स टू किड्स लाइव वी एक्चुअली गॉट अ फॉरेन पार्टनर यू नो यूके से पार्टनर हमारे पास आ गए सो इफ यू हैव टाइम यू नो फील फ्री टू जॉइन हिज लाइव यू कैन सी द वीडियो बट थैंक यू अगेन फॉर शोइंग अप योर फ्यू फेसेस यू कैन स्माइल अगेन मेरे को रिएक्शन तो समझ नहीं है मैं खुद थोड़ा सा लॉस्ट था स्टोरी सुनाने में बट आई थिंक आई एम हैप्पी दैट आई सॉ ऑल ऑफ यू सो थैंक यू अगेन हैव अ ग्रेट संडे यू नो कीप स्टडिंग बी सेफ एंड विल सी यू ऑन नेक्स्ट संडे बाय थैंक यू सर बाय बाय बाय